हाँ, आधुनिक आर्य भाषा और हिंदी, खासकर आपने जो विषय रखा है आधुनिक हिंदी, तो थोड़ी सी पूर्व पीठिका में हम लोग आधुनिक हाँ आर्य भाषाओं पर चर्चा करते हुए हिंदी पे आएंगे, और हिंदी की जो हिंदी के जो आधुनिक रूप है और उसका उसकी जो बोलियां हैं और ये सारी चीजें उस पे फोकस रहेगा। जी सर, ठीक सर, धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में, जहां आप और हम पुनः एक बार आमने सामने आ चुके हैं। एक नए विषय तो नहीं, इस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 सप्ताह से। उसकी अंतिम इकाई जो आपकी एमएसबी 6 पाठ्यक्रम की, एमएसबी 6 की ब्लॉक 7, उसकी अंतिम इकाई जो है आधुनिक आर्य भाषा और हिंदी, इस विषय पर मुख्य रूप से आज हमारी चर्चा रहेगी। और इस चर्चा में आज विषय विशेषज्ञ के रूप में पुनः एक बार हम लोगों के समक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा सर उपस्थित है। तो मैं सर के अपने विश्वविद्यालय हम सब विद्यार्थियों की तरफ से सर का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि सर ने अपना समय निकाला छुट्टी के दिन, क्योंकि सर भी जिस जॉब में है, छुट्टी एक दिन संडे मिलता है उन्हें भी, वो भी दिन हम सर से मांग लेते हैं। तो सर का हृदय से बहुत आभार कि सर अपना समय देते हैं लगातार निरंतर, हर छुट्टी के दिन अपना समय देने को इच्छुक रहते, तैयार रहते हैं। तो सर पुनः एक बार स्वागत है सर आपका। और विद्यार्थियों, कक्षा शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन रहेगा सर कुछ पीपीटी द्वारा प्रस्तुत करेंगे, तो आप लोग बीच में कुछ स्क्रीन शेयर ना करें, उससे जो कक्षा थोड़ी बहुत बाधा पहुंचती है, आप लोगों को भी दिखाई नहीं देती है, वापस से हमें रिस्टेड करना पड़ता है पीपीटी को, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, अपने स्क्रीन को शेयर ना करें। जैसा स्वागत है सर, और आप आरंभ कर सकते हैं सर। थैंक यू, धन्यवाद अभिषेक जी। आज हम लोग फिर से जुड़ रहे हैं एक सप्ताह के बाद, और अभिषेक जी का आभार, उड़ीसा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को आभार कि आपने फिर से मुझे ये अवसर दिया छात्रों के साथ अपनी बात रखने का। और मैं सभी जो छात्र हैं, अजय, लक्ष्मी, प्रिया, मधुस्मिता, ममता, सरिता, प्रीति, पूजा, रश्मि, रुद्रा और साई कृष्ण और श्वेता, लगभग 11-12 विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए, मैं सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस कक्षा में। और उम्मीद करता हूँ कि जो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी उसके ऊपर थोड़ा बहुत आपने अध्ययन भी किया होगा, थोड़ा नेट के ऊपर भी रिसर्च किया होगा, थोड़ा यूट्यूब वगैरह भी देखा होगा, तो ये करिए आप, क्योंकि सिर्फ ये जो ऑनलाइन कक्षा होती है ये तो जो बेसिक चीजें हैं उसको आपको बताने और समझाने के लिए होती है, उसके अलावा आपको किताबें और जो अध्ययन सामग्री आपको दी गई है उसको तो आपको पढ़ना ही है। साथ में आज आपके हमारे पास अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोज हैं, और इवन बहुत सारी किताबें आज ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। जैसे गूगल बुक पे आप जाएंगे तो गूगल बुक के ऊपर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी पढ़ने के लिए, हालांकि आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगा कि मैं आज का जो विषय है वो तो शुरू करने से पहले बाद में फिर मैं कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए क्योंकि मैं एक किताब देख रहा था कल, मैं आपको जब मैं पीपीटी तैयार कर रहा था परसों, तो कुछ मटेरियल में तैयारी में मैंने एक किताब देखी, एक बहुत अच्छे हमारे भाषाविद हैं हिंदी के, सुनीति, डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्जिया, ठीक है, और उनकी किताब है भारतीय आर्य भाषा और हिंदी, ठीक है, तो इसके मैं कुछ पन्ने पढ़ पाया था, तो 263 पन्ने की ये किताब पीडीएफ के रूप में ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं ये आपको अभिषेक जी को ईमेल भी कर दूंगा, और मैं चाहूंगा कि ये सभी छात्रों तक वो पहुंचा दें, और आप इसको अवश्य पढ़िए, ये एक बहुत ही बेहतरीन किताब, और आपको खरीदनी भी नहीं पड़ेगी शायद, और आप खरीदना चाहें तो मंगा सकते हैं राजकमल प्रकाशन से, अन्यथा आप इसको पीडीएफ के रूप में भी पढ़ सकते हैं, तो इसको जरूर पढ़ें। और एक आध किताब भी जो है मैं आपको भेजूंगा, बट ये तो मुझे लगा कि भाई आपको जो भाषा विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो जरूर पढ़िएगा ये किताब। अब हम लोग चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं, जो विषय है वो लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो विषय है वो आधुनिक आर्य भाषा पे है या आधुनिक आर्य भाषा में हिंदी के ऊपर है ना। तो इससे पहले मैं थोड़ी सी भूमिका जो है पिछले वाली जो कक्षाओं में हमने बातचीत की उस पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, कि हमने देखा कि किस प्रकार जो है हिंदी ही नहीं बल्कि जितनी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका जो इतिहास है और उनका जो विकास क्रम है वो लगभग एक जैसा है ना, और जो समय है उस समय भी उनके विकास का
और जो अलग अलग उन्होंने चरणों में अलग अलग फेजेस में वो उन्होंने विकास किया वो लगभग लगभग एक जैसा ही है। ठीक है, तो हम लोग हिंदी के साथ साथ सभी आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास भी एक साथ पढ़ते हैं ताकि हमको पूरा जो परिदृश्य है भाषा का वो हमको समझ में आ जाए। तो आज हम लोग विशेष तौर पे आर्य भाषाओं पे बात करते हुए हिंदी पे हमारा जो एकाग्र है जो कंसंट्रेशन है उस पे रहेगा, हिंदी पे हम बात करेंगे और हिंदी भाषा का जो आज का जो आधुनिक रूप है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। ये देखिए, इस शुरुआत में एक मानचित्र से करना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आपके मस्तिष्क में ये चित्र जो है आ जाए तो आपको और भी उसको जो पुरानी चीजें हैं उसको रिकॉल करने में भी आसानी हो। ये इसमें मैंने ये दिखाया कि ये जो भारत है ना, ये जो हमारा भारत देश है इनको इसको हम लोग अब तो ये राजनीतिक तौर पे एक बाउंड्री में बन गया, भारत बन गया, लेकिन अगर हम इसको भौगोलिक तौर पे देखें और सांस्कृतिक तौर पे देखें तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं कि ये बल्कि एक देश नहीं है, एक उपमहाद्वीप है, एक सब कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप से थोड़ा ही उसका स्तर जो है कम हो सकता है, अन्यथा जो है ये एक बहुत विशाल भौगोलिक क्षेत्र है। और देखिए भौगोलिक क्षेत्र तो है ही, साथ में ये सांस्कृतिक तौर पे भाषाई तौर पे आपस में जुड़ा हुआ है ना, बहुत सारी इसमें समानताएं हैं। इसीलिए हम जब इसको इसका अध्ययन करते हैं तो इसको साउथ एशिया, दक्षिण एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए अब हमारी हिंदी आ गई और जो आधुनिक आर्य भाषाएं आ गई, ये भारत के बाहर पाकिस्तान, ठीक है, और भारत के बाहर यहाँ पाकिस्तान, यहाँ कश्मीर से लेकर के फिर यहाँ नेपाल, और नेपाल भी जो नेपाली भाषा है वो भी आर्य भाषा है, और यहाँ बंगाल, बंगाल हमारा वेस्ट बंगाल, और इधर बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश और इधर श्रीलंका ना, श्रीलंका में ये नीचे वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं लाल रंग में है वो सिंगलिश भाषा का है, और सिंगलिश भी जो है सिंहली भाषा जो है वो भी हमारी आर्य भाषा है। ठीक है, तो इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो पूरा अगर ये उपमहाद्वीप के तौर पे अगर हम इसको देखें और थोड़ा सा हमारा जो परिदृश्य है उसको थोड़ा सा या कलेवर को थोड़ा विस्तृत करें तो हमको समझने में आसानी होगी। तो ये पूरा हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं का मानचित्र है। इसमें उत्तर में अगर आप देखें तो पंजाबी लहंदा से शुरू होके इधर उत्तर पश्चिम में सिंधी, ठीक है, और यहाँ फिर पंजाबी, राजस्थानी, हिंदी, बिहारी, गुजराती, मराठी, कोंकणी आ गई, पूर्व में हमारी बिहारी और उड़िया, बंगाली आ गई है ना, और उत्तर में यहाँ पे उत्तर पूर्व में नेपाली और यहाँ पे असमिया भाषा आ गई, और दक्षिण में श्रीलंका का जो उत्तरी क्षेत्र है वो ये जो देखिए जो ग्रे कलर में है ये तमिल भाषी है ना, यानी जो तमिलनाडु से तमिल लोगों ने माइग्रेट किया और यहाँ बस गए तो ये तमिल भाषी है, लेकिन उत्तर भारत से जो लोग गए और जो खास तौर पे बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्मावलंबी हैं, जो हम पिछली क्लास में बता रहे थे कि जो बुद्धिस्ट के साथ साथ पाली भाषा भी गई, तो ये लोग अपने साथ साथ पाली लेके गए और पाली बौद्ध धर्म लेके गए और साथ में पाली भाषा भी लेके गए, और बाद में यहाँ पे सिंहली भाषा विकसित हुई। ठीक है, तो ये भी इसकी जननी भी संस्कृत ही है। ये एक थोड़ा शुरुआत में मैंने एक मानचित्र रखा। अब आगे चले तो ये मैंने आपको बताया ही था कि जो भाषा होती है उसका जो विकास क्रम वही होता है। किसी विद्यार्थी ने पूछा भी था कि एक बोली में और भाषा में क्या अंतर है, तो मैंने बताया था कि विकास शुरुआत जो है बोली से होती है, फिर वो विभाषा बन के, फिर उपभाषा, फिर जब उसमें साहित्य आदि लिखा जाने लगता है, उसकी लिपि जो है स्थिर हो जाती है, भाषा का रूप स्थिर हो जाता है, तब हम उसको एक भाषा का दर्जा दे देते हैं, फिर उससे आगे चल करके वो परनिष्ठित भाषा बन जाती है, यानी जो हम उसको कहते हैं कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मानक भाषा या परनिष्ठित भाषा, यानी हाँ लिपि एकदम सुव्यवस्थित, स्थिर, ठीक है, व्याकरणिक नियम आबद्ध बने हुए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है ना, और भाषा का जो व्याकरणिक संरचना है और भाषागत रूप जो है वो भी एकदम स्थिर है ना, तो वो बन जाती है हमारी परनिष्ठित भाषा। जैसे हिंदी के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन जो खड़ी बोली हिंदी है वो हिंदी का परनिष्ठित रूप है। उड़िया में कई बोलियां हैं, लेकिन जो कटक या उसके आसपास क्षेत्र में जो उड़िया बोली जाती है वो उसका परनिष्ठित रूप है।
है ना। तो इस प्रकार बोली से भाषा का विकास होता है और वो आगे बढ़ती है। आगे देखें, अब हम हिंदी पे अगर आए तो हिंदी के बारे में मैं आज बात करूंगा आपको और बताऊंगा कि हिंदी हिंदी या हिंदुस्तानी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा है। आप इसे याद रखिए, संविधान में इसे राजभाषा का प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया, राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यानी लगभग हमारी पॉपुलेशन में हम देखें तो आज की तारीख में करीबन 40-45% लोग, अर्थात 50 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं, और लगभग 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोल लेते हैं और समझ लेते हैं, है ना। 135 करोड़ की हमारी आबादी। तो चीनी के बाद ही विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है ना। चीन की जो मंदारिन है उसके बाद सबसे ज्यादा नंबर है हिंदी के, और विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार यह विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली भाषाओं में से भी एक। आप जिस भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, जिस भाषा के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको जानकर के खुशी होगी, गर्व होगा कि 10 जो सबसे पावरफुल भाषाएं हैं विश्व की उनमें से एक भाषा है हिंदी। और इसकी बोलियां उत्तर एवं मध्य भारत के विविध राज्यों में बोली जाती है ना। पूरा जो मैप मैंने आपको दिखाया हिंदी का, हिंदी बेल्ट कहते हैं हम इसे, हिंदी पट्टी बोलते हैं, और उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक इसका विस्तार है। और इसके अलावा फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, ये जो देश हैं यहाँ पे भी हिंदी बोली जाती है, और नेपाल की जनता भी हिंदी बोलती है। ये 2011 का जो आंकड़ा है वो या उसके अनुसार 43.63% लगभग 53 करोड़ लोग हिंदी को अपनी मूल भाषा बताया, यानी प्रथम लैंग्वेज, प्रथम भाषा या फर्स्ट लैंग्वेज या मातृभाषा इन्होंने माना है 53 करोड़ लोगों ने। तो अब अगर आप देखें 2011 से अगर 2021 का देखें तो ये आंकड़ा बढ़ करके अब करीबन 60 करोड़ का हो गया होगा, और ये परसेंट भी बढ़ गया होगा, करीबन 45% के आसपास लोग जो है हिंदी को मातृभाषा मानते हैं, है ना। तो ये कुछ नंबर हैं कि अभी अमेरिका में भी जो है 648,000 लोगों की मातृभाषा हिंदी बोलने वाले हैं, मॉरिशस में 685,000, दक्षिण अफ्रीका में 890,292, यमन में जो गल्फ कंट्री है वहाँ पे ये नंबर है 232,760, युगांडा में 147,000, सिंगापुर में 5,000, नेपाल में 800,000, न्यूजीलैंड में 20,000, जर्मनी में 30,000। तो ये कहीं से डेटा कलेक्ट किया गया और बताया कि पूरे विश्व में जो है हिंदी भाषी लोग फैले हुए है ना। ये देखिए, ये मैंने 2011 की जो मतगणना है उसके अनुसार बताया कि हिंदी की जो स्थिति है वो सबसे नंबर वन पे है, सबसे ऊपर है, क्योंकि 53 करोड़ से यानी लगभग 53 करोड़ लोग, 52,83,47,193 है, इसको हम देखें तो लगभग 53 करोड़ लोग और लगभग 43% लोग जो है हिंदी बोलते हैं। उसके बाद बंगाली का नंबर आता है ना, जो 8% के आसपास बैठती है, फिर मराठी है जो लगभग 7% के आसपास बैठती है, फिर तेलुगु है, ये भी बड़ी भाषा है, ये भी बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं, फिर तमिल है, गुजराती है, उर्दू है, उड़िया, कन्नड़ है, उड़िया, उड़िया जो है हमारी 9 नंबर में आती है, लगभग 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 4 करोड़ के आसपास लोग बैठते हैं। ये पूरे पॉपुलेशन में इसका जो प्रतिशत है वो 3% है। तो बाद में अगर हम नीचे आ जाएं तो जो 22 भाषाएं हमारे 8 शेड्यूल में दर्ज की गई हैं उनको एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, उनमें से जो सबसे नीचे संस्कृत है। भाषा बड़ी है लेकिन बोलने वालों की संख्या देश में बहुत। तो ये देखिए संस्कृत आप देखें देख पा रहे, लगभग 24,821 लोग ही बोलते हैं, बोलने वाले अभी यहाँ पे बचे, ठीक है। अभी भी एक पेपर छपता है संस्कृत का, अभी भी हमारे देश में, आप गूगल कीजिए, कुछ चीजें मैं आप पे भी छोड़ता हूँ कि बीच में वो व्हाट्सएप वगैरह पे भी वायरल हो रहा था, पेपर एक छपता है और कर्नाटक या कहीं पे एक गांव है, उस गांव की भी पूरी आबादी संस्कृत बोलती है। तो ये देखिए 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है ना, और इन 22 भाषाओं में से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक भाषा ऐसी है जो विदेशी है ना, क्योंकि नेपाल की है तो इसको भी लिया गया, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा लोग नेपाली बोलते हैं, ठीक है। संस्कृत को लिया गया है इन 22 भाषाओं में, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी नहीं है ना, अंग्रेजी का वर्चस्व वैसे बहुत ज्यादा है भारत में है, बट ये एक विदेशी भाषा है, भारतीय भाषा नहीं है, इसलिए इसको इस शेड्यूल में, इस सूची में रखा नहीं गया। चलिए आगे चलते हैं। तो एक और स्थिति है उर्दू की, उसके बारे में हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे। ये यहाँ पे और दिखाया मैंने एक भाषाई मानचित्र के तहत है ना, कि ये जो नीला रंग आप देख रहे हैं ये पूरा
हिंदी का है, है ना। तो जो हिंदी भाषी प्रदेश है कौन सा, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, है ना, बिहार है और झारखंड है, ठीक है, ये पूरे हिंदी भाषी प्रदेश है। और इसके अलावा जो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है और महाराष्ट्र है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी का प्रयोग करते हैं और हिंदी उनका स्तर भी उनका अच्छा है। और बाकी यहाँ पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कर्नाटक में कन्नड़ है, तमिलनाडु में तमिल है, केरला में मलयालम है, गोवा में कोंकणी है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु है, वेस्ट बंगाल में बंगाली है, और ये जो उत्तर पूर्व में जो उनकी भाषाएं अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो ये भारत का भाषा मानचित्र। अब हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, व्युत्पत्ति का मतलब है ये शब्द बना कैसे है, है ना। इसको अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि जो संस्कृत का शब्द था सिंधु, सिंधु से इसका विकास हुआ है ऐसा माना जाता है, क्योंकि एक भाषा वैज्ञानिक संकल्पना है उसके तहत इसको कहा गया है। हालांकि कुछ लोग इस पर इसे मानते नहीं है, क्योंकि सिंध नदी के जो निवासी थे, सिंध नदी के किनारे बसने वाले थे, उनको सिंधु कहा जाने लगा। और उसके बाद ये सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू, और हिंदी ईरानी में जब हो गया सिंधु शब्द क्या बन गया, हिंदू बन गया, और हिंदी और फिर हिंद हो गया। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक लोगों भारत के अधिक भागों में परिचित होते गए और इस शब्द का अर्थ विस्तार होता गया। तो एक कंसेप्ट है कि ईरानी भाषा में वो लोग स का उच्चारण नहीं कर पाते, स की जगह वो लोग ह बोलते हैं, तो सिंधु का हिंदू हो गया और फिर बाद में सिंधी का हिंदी बन गया। और इसी हिंदी से जो है, हिंदी से ही ये इंडिक शब्द बना, इंडिक इंडिक, और ये जो इंडिका है ना यूनानी भाषा का शब्द इंडिका, इसी से बना है, सिंधु सिंधिक फिर हिंदी फिर इंडिका और इंडिका से फिर इंडिका और इंडिया। तो इंडिया में जो इंडी ध्वनि है ये मूल रूप से संस्कृत के सिंधु से ही आई है, उसका ही परिवर्तित रूप है, ठीक है। तो हिंदी भाषा का, ये हिंदी भाषा के लिए शब्द हिंदी का प्रयोग जो है सफरुद्दीन यजदी के जफरनामा, यानी 1424 में उन्होंने जफरनामा लिखा था, वो उन्होंने सबसे पहले इसके लिए, इस भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये उसकी व्युत्पत्ति हिंदी की। ये भी वही बात यहाँ पे स्लाइड में भी कही गई है, वो जो विकास है हिंदी शब्द का वो कैसे किया गया और उसी के बारे में यहाँ बताया गया। तो बाद में इसको एक और शब्द भी इसके लिए प्रयोग किया गया था, जवाने हिंद, जवाने हिंदी या जवाने हिंद का भी प्रयोग किया मुसलमानों ने, खासतौर पे इसका नाम जो है जवाने हिंदी या हिंदी जुबान प्रयोग किया। तो आगे चलते हैं, अच्छा उर्दू क्या है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए आप, कि उर्दू जो है अलग से एक भाषा का दर्जा उसे दिया गया है, लेकिन उसमें हिंदी में, उर्दू में और हिंदी में क्या अंतर है। कई भाषाविद हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा समझते हैं, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और शब्दावली के स्तर पर अधिकांशतः संस्कृत शब्दों का प्रयोग करती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है और शब्दावली के स्तर पर फारसी और अरबी, इन भाषाओं का प्रभाव इस पर अधिक है। लेकिन व्याकरणिक रूप से अगर देखें तो उर्दू और हिंदी में लगभग 100% समानता है, ठीक है, 100%। कुछ क्षेत्रों में शब्दावली के स्रोत जैसे ऊपर लिखा गया में अंतर होता है, कुछ विशेष ध्वनियां उर्दू में अरबी फारसी से ली गई हैं। इस प्रकार फारसी और अरबी की कुछ विशेष, अरबी की कुछ विशेष व्याकरणिक संरचना भी प्रयोग की जाती है। देखिए इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि उर्दू और हिंदी में मौलिक अंतर जो है वो लिपि का है, है ना। हम लोग हिंदी को किस पे लिखते हैं, देवनागरी में लिखते हैं, और ये लोग जो उर्दू को किसमें लिखते हैं, फारसी लिपि में लिखते हैं, जो दाएं से उल्टी लिखी जाती है, दाएं से बाएं। हम लोग हिंदी को देवनागरी में बाएं से दाएं लिखते हैं, ये लोग दाएं से बाएं लिखते हैं। और हमारा जो हिंदी है, हमारी जो हिंदी है उसका झुकाव क्या है, संस्कृत शब्दों की ओर अधिक है, क्योंकि इस पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो जो शब्द हैं अधिकांश उर्दू के हैं, सॉरी संस्कृत के हैं, लेकिन उर्दू भाषा में क्या है, उनका झुकाव संस्कृत के शब्दों की ओर कम है, आम बोलचाल की हिंदी का जो शब्द है वो ज्यादा है, और फारसी और अरबी भाषा के जो शब्द हैं ये भी बहुत ज्यादा तादाद में वहां पे पाए जाते हैं। तो जब उसके शब्दावली के स्तर पे वो फारसी और अरबी की ओर झुक जाती है और फारसी लिपि में लिखी जाती है तो उर्दू बन जाती है, और अगर संस्कृत की ओर झुक जाती है
और देवनागरी में लिखी जाती है तो वो हिंदी बन जाती है, और जो व्याकरणिक स्तर है उसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप में से बहुत से लोगों ने पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल है उसमें क्या बहस होती है वो भी आपने यूट्यूब पे कभी सुना होगा, या जब पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी हैं है ना, या इमरान खान जब वो बोलते हैं उर्दू में तो आपने सुना होगा, आपको कुछ अंतर लगता है? आप कोई अंतर ढूंढ नहीं पाएंगे। आम बोलचाल की जो उर्दू है और आम बोलचाल की जो हिंदी है उसका जो बोलने का लहजा, शब्द और व्याकरणिक संरचना जो है, मुहावरे, लोकोक्तियां भी लगभग एक जैसी, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन लिपि के कारण, और इसको थोड़ा सा हम कहते हैं कि एक धार्मिक आधार भी, रंग भी इसको दे दिया गया कि जो हिंदू है उनकी भाषा हिंदी हो गई और जो मुसलमान है उन्होंने हिंदी का रूप बदल के उसको उर्दू के रूप में स्वीकार कर लिया, इस तरीके से भी थोड़ा सा उसको रंग दे दिया गया। अगर हम देखें तो अंततः ये भी एक ही भाषा आप इसे कह सकते हैं। अब ये जो इतिहास क्रम है इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि विकास कैसे हुआ, संस्कृत आई, संस्कृत के बाद संस्कृत के जो दो रूप आए, वैदिक संस्कृत फिर लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आ गई है ना, और अपभ्रंश की अंतिम अवस्था एक अवहट्ट का भी जो संकल्पना है ये भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। लगभग 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी के आसपास जब हिंदी का जो प्राचीन रूप विकसित हो रहा था 1000 से लेके 1200 के आसपास, तब एक और भाषा की संकल्पना की गई है वो है अवहट्ट, ठीक है। और संतधर शर्मा गुलेरी ने इस अवहट्ट को पुरानी हिंदी का नाम भी दिया है। इसको क्या कहा उन्होंने, मैंने पिछली कक्षा में ही बताया था, अवहट्ट को पुरानी हिंदी का नाम दिया। तो ये जो विकास क्रम चला हिंदी का इस प्रकार से, और अपभ्रंश के संबंध में देसी शब्द का भी प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। वास्तव में देसी से देसी शब्द एवं देसी भाषा दोनों का बोध होता है। प्रश्न ये है कि देसी शब्द किस भाषा के थे। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में उन शब्दों की देसी कहा जो संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव रूप से भिन्न थे। ये देसी शब्द जन भाषा के प्रचलित शब्द थे जो स्वभावतया अपभ्रंश में भी चले आए थे। जनभाषा व्याकरण के नियमों का अनुसरण नहीं करती परंतु व्याकरण को जनभाषा की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना पड़ता है। तो ये जो इसमें स्लाइड में बताया गया है वो यही है। कि जो अपभ्रंश थी ये इसको इसके लिए देसी भाषा या देसीय भाषा शब्द का भी प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि इसमें जो देसीय शब्द थे उनकी बहुतायत थी, और ये जो आम बोलचाल की जो भाषा थी यानी आम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे उससे ये अधिक निकट थी, ठीक है। ऐसा ही विकास हुआ है ना कि जो आप देखेंगे संस्कृत से लेकर के आज की जो हिंदी, तो वो जटिलता से सरलता की ओर, ठीक है, योगात्मकता से अयोगात्मकता की ओर, और विद्वता से आम जन की बोलचाल की भाषा की ओर अग्रसर हुई है ना। तो ये इस प्रकार से अपभ्रंश आई, और यहाँ इसमें दिखाया गया, देखिए मैं जो बता रहा था आपको, संस्कृत फिर पाली फिर प्राकृत फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी और आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है ना। तो भाषा एक नदी के धारा के समान चंचल होती है, रुकना नहीं जानती है, और यदि कोई भाषा बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो उसके बंधन को तोड़कर आगे निकल जाती है। यही भाषा की स्वाभाविक प्रकृति है और प्रवृत्ति है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। उत्तराधिकारी यानी उसको एक तरह से संस्कृत ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, बल्कि सारी भाषाएं उसकी संतान संतति हैं, परंतु जो उत्तराधिकार लिया है सबसे बड़ी भाषा के रूप में वो हिंदी ने लिया है क्योंकि उसको बोलने समझने वाले लोग ज्यादा है ना। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि समय, ये भी मैंने शायद आपको इस पर चर्चा की थी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और आधुनिक आर्य भाषाओं का जो समय है वो 1000 ईस्वी से ईस्वी समझ रहे हैं ना, है ना। तो यानी जब जीसस पैदा हुए वहां से जब हमारा कैलेंडर जीसस का शुरू होता है, बीसी खत्म हो गए एडी शुरू हो जाता है, वहां से अब तक का जो समय है वो आधुनिक आर्य भाषा का,
1000 यानी लगभग 1000 साल पुराना इसका इतिहास आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रहा है। तो इसको मैं ये करता हूँ, मैं स्किप करता हूँ और जो चीजें एक मिनट सर पीपीटी को एक बार रिज्यूम कीजिए क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है। रुद्र सर दिखाई दे रहा मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी, सर ये स्टूडेंट को उस पर टच करना पड़ेगा जो प्रेजेंटेशन जहाँ शो हो रहा है, क्योंकि मैं मोबाइल पर भी लॉगिन हूँ और यहाँ पे लॉगिन हूँ, तो अगर बच्चा शेयर भी कर देता तो अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं एक बार और कर देता हूँ सर, आप सब हाँ कंटिन्यू कीजिए सर, चल रहा है ना, चाहे तो कंफर्म कर लीजिए क्योंकि सबको स्क्रीन और साउंड मिल रहा है ना। अच्छा अभिषेक जी कंटिन्यू करें ना। हाँ सर, हाँ सर कंटिन्यू करें सर। तो ये समय था, ये हमने देखा और मतलब मैं ये चाह रहा था कि रिपीटेशन ज्यादा ना हो, जो जो बातें हमने पिछली क्लास में की हैं उस पे ज्यादा ना जा करके हम नई जो चीजें हैं उसको देखें। तो संस्कृत में अगर हम देखें तो रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ रचे गए, वाल्मीकि व्यास कालिदास अश्वघोष भारवी माघ भवभूति विशाख मम्मट दंडी और श्रीहर्ष आदि संस्कृत की महान साहित्यिक विभूतियां हैं, इन्होंने संस्कृत के जो कालजयी ग्रंथ लिखे हैं, इसका साहित्य विश्व को समृद्ध साहित्य में से एक है। तो हमारी जो मूल भाषा है जिससे हमारी भाषाओं का विकास हुआ है आर्य भाषाओं का, वो संस्कृत जो है प्राचीनतम भाषा भी है और समृद्धतम भाषा भी मानी गई है। और साथ में हम जानते हैं कि जो वेद है जो वैदिक संस्कृत में लिखे गए, उसके बाद संहिताएं हैं उपनिषद है और वेदांग है, इनका सृजन भी किसमें हुआ, हमारी संस्कृत भाषा में ही हुआ। ये देखिए ये इसमें मैंने थोड़ा दिखाया कि जो हम लोग ताड़पत्र होते थे ना, इन ताड़पत्रों पे देवनागरी लिपि में इस प्रकार संस्कृत भाषा के जो स्रोत हैं जो श्लोक हैं है ना और जो ऋचाएं हैं वेद की वो लिखी गई है, ताड़पत्र माना जाता है। इसमें एक छेद करके इसको आपके शक्ल देने का प्रयास किया जाता था और उसको जो लिखे सुरक्षित रखा है। ठीक है, कोई एक स्टूडेंट अगर मैसेज आ रहा है प्रेजेंट कर रहा है तो बंद कर दीजिए है ना, अन्यथा दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। अब उसके बाद संस्कृत कालीन आधारभूत बोलचाल की भाषा परिवर्तित होते हुए होते होते 500 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, तो ये ईसा पूर्व और ईसवी में आप कंफ्यूज मत होइए, ईसा पूर्व का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और ईसवी का मतलब है आफ्टर डेथ है ना, जो ईसवी बोले तो जीसस क्राइस्ट पैदा होने का 100 साल अगर हो गए तो हम उसको पहली ईसवी बोलते हैं। ठीक है, जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है उससे आज 2000 साल बीत चुके हैं तो हम लोग इसको एडी बोलते हैं, तो हिंदी में हम इसे कहते हैं ईसवी, और उससे पहले वाला जो समय था उसको हम जो बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं उसको हम हिंदी में बोलते हैं ईसापुर। ठीक है, तो 500 ईसापुर के बाद काफी बदल गई संस्कृत भाषा और जिसे हम पाली का नाम दिया गया। महात्मा बुद्ध के समय पाली लोक भाषा थी और उन्होंने पाली के द्वारा ही अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। संभवतः यह भाषा ईसा की प्रथम ईस्वी तक रही, पहली ईस्वी तक आते आते पाली भाषा परिवर्तित हुई और इसे प्राकृत की संज्ञा दी गई, फिर वो पाली से बदलते हुए फिर वो प्राकृत के शक्ल ले लिया, प्राकृत के संज्ञा दी गई, प्राकृत का नाम दिया गया इसे, कब पहली ईस्वी आते आते। ठीक है, और इसका काल पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक है, यानी आज से 1500 साल पहले तक जो है पाली भाषा प्रचलन में थी। पाली की विभाषाओं के रूप में उसकी जो अलग अलग विभाषाएं विकसित हुई उसमें प्राकृत भाषाएं पश्चिमी पूर्वी पश्चिमोत्तरी और मध्यदेशी, और उनमें से फिर आज की जो आधुनिक साहित्यिक भाषाएं हैं उनका विकास हुआ। जैसे हमने कहा कि ये जो अपभ्रंश है मागधी सौरसेनी महाराष्ट्रीय पैसाची ब्राचड़ और अर्धमागधी, और उनसे फिर इन अपभ्रंशों से फिर हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में दिखाया था, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी, एक बार और देख लीजिए, इसका जो समय है
संस्कृत का, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व पाली, 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी, फिर प्राकृत पहली ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और फिर हिंदी जो 1000 ईस्वी से। ठीक है, तो ये विकास क्रम है हिंदी का। पाली के बारे में हमने चर्चा कर ली है पिछली क्लास में, तो इस पर अगर हम समय लेंगे तो फिर आप हिंदी पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, तो ये हमने बात की है। तो पाली आया, पाली के बाद फिर प्राकृत आई है ना, तो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और फिर उसके बाद जो पांच प्राकृत के जो पांच भेद हैं वो भी मैंने आपको बताया थे, सोर शनि, पैसाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। ठीक है, तो इन जो पांच प्राकृत के भेद थे इनसे फिर अपभ्रंश विकसित हुई, और अपभ्रंशों से फिर आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। फिर अपभ्रंश आ गए है ना, तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है, और अपभ्रंश के बारे में हमने पिछली क्लास में तो उसी पे हमारा पूरी चर्चा थी। तो इसके बाद जो है प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी भोलानाथ तिवारी ने विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंशों के निम्नलिखित सात भेद किए हैं है ना, जो अलग अलग जो प्राकृत थे उनसे जो प्राकृत से फिर जो अपभ्रंश भाषाएं विकसित हुई उनको सात भेद स्वीकार किए हैं भोलानाथ तिवारी ने। तो सात भेद कौन से हैं, सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। ठीक है, और इन सात से यानी सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, पैसाची से लहंदा पंजाबी, ब्राचड़ से सिंधी, खस से पहाड़ी जो उत्तराखंड और आज हिमाचल में बोली जाती है भाषाएं हिंदी की बोलियां हैं, महाराष्ट्री से मराठी, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी यानी भोजपुरी और अवधी वगैरह, इनका विकास अर्धमागधी से हुआ है ना। तो ये स्वरूप रहा। फिर अवहट जो है, अवहट के बारे में थोड़ा समय बता दूं कि अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है। बताया था ना कि 1000 ईस्वी तक तो अपभ्रंश का समय माना गया, और 1000 ईस्वी के बाद से हमारी हिंदी का विकास शुरू हो जाता है ना, या आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास शुरू हो जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक कड़ी मानी गई है जिसे अवहट कहा गया है। और अवहट नाम स्पष्ट रूप से विद्यापति की कृतिलता में आता है ना, विद्यापति की जो कृतिलता पुस्तक है इसमें इन्होंने अवहट का नाम भी लिया है कि देसिल बैना सब जग सब जन मिठा ए तैसन जम्पो अवहट्टा। ठीक है, तो उन्होंने देसिल बयान यानी देसी कथन या देसी भाषा और अवहट को एक ही माना है, एक ही भाषा स्वीकार किया है, और अवहट को अपभ्रंश से भिन्न मानने वाले विद्वान इसे हिंदी का ही पूर्व रूप मानते हैं। स्पष्टतः अवहट को हिंदी और अपभ्रंश को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो जब ट्रांजेक्शन होता है ना, जब बदलाव होता है, भाषा बदलती है, तो जब ट्रांजेक्शन होता है तो एकदम अचानक से नहीं होता है कि अवहट खत्म हुई, अपभ्रंश खत्म हुई, पुरानी हिंदी शुरू हो गई, पुरानी हिंदी खत्म हुई, नई हिंदी शुरू हो गई, ऐसा एकदम से तो होता नहीं है कि एक दो साल में, तो एक समय होता है, तो ट्रांजेक्शन होता है, परिवर्तन होता है, तो बीच में भी एक चेन आती है, एक कड़ी आती है जो ना इस तरफ की होती है ना पूरी तरह से उस तरफ की होती है, दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो आप अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का जो मिला जुला रूप है उसको आप अवहट के रूप में उसको आप कह सकते हैं कि अवहट एक जो संकल्पना की गई है, और ये पूरी तरीके से जो देसील बयाना इसको कहा है यानी देसी भाषा, देसी बयान, और उसी को ही अवहट के रूप में विद्यापति ने स्वीकार किया है। अब हम थोड़ा सा आगे हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे कि ये जो भाषा का जो स्वरूप है ये कैसा है न? हिंदी भाषा के उज्जवल स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए आवश्यक है कि उसकी गुणवत्ता, क्षमता, शिल्प कौशल और सौंदर्य का सही सही आकलन किया जाए। यदि ऐसा किया जा सके तो सहज ही सबकी समझ में आ जाएगा। संसार की उन्नत भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक व्यवस्थित भाषा है। व्यवस्थित हम इसलिए कहते हैं कि इसकी जो लिपि है वो वैज्ञानिक है ना, और उसको ऐसा ये नहीं है जो बोला जाता है वो लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, उसमें अलग अलग नहीं, इसलिए इसको सुव्यवस्थित भाषा कहा गया है। वह सबसे सरल भाषा है। सरल भाषा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप में से अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, फिर भी आप हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने अभी आप हिंदी पढ़ रहे हैं तभी आप हिंदी जान रहे हैं ऐसा नहीं है। आपको हिंदी बोलना और समझना बचपन से आ गया था। क्यों आ गया था? आपने टीवी देख के, गाने सुन के, फिल्में देख के आपने हिंदी सीख ली, इसलिए हम हिंदी को एक सरल भाषा कहते हैं। लचीली भाषा भी इसलिए कहा गया है, फ्लेक्सिबल है, कि मुंबई में मुंबईया हिंदी,
कलकत्ता में कलकत्तिया हिंदी, दक्षिण में दक्षिण की हिंदी और पंजाब में पंजाबी लहजे से मिश्रित हिंदी। तो फ्लेक्सिबल है, स्थान के अनुसार उसका रूप भी थोड़ा सा ढल जाता है, है ना, इसलिए लचीली भाषा कहा गया है। हिंदी दुनिया की सर्वाधिक तीव्रता से प्रसारित हो रही भाषाओं में से एक है। अब देख ही रहे हैं कि संख्या भी लोगों की बढ़ रही है जो हिंदी को मातृभाषा मानते हैं या हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। और विश्व में भी इसका स्थान धीरे धीरे एक प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित हो रहा है। वो एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें अधिकतर नियम अपवाद विहीन है, यानी अगर हम हिंदी के हिंदी व्याकरण के नियम देखें तो उसमें अपवादों की अपवाद लगभग ना के बराबर। अपवाद का मतलब है कि ये भी है और वो भी है, ऐसा नहीं। व्याकरण में जो निर्धारित है, जो तय है, वो हमें हर जगह हर स्थान पर वही है, यानी उसमें कोई अपवाद नहीं है। वो सच्चे अर्थ में विश्व भाषा बनने की पूर्ण अधिकारी है। हिंदी का विश्व शब्द को विश्व भाषा तो बहुत दूर की चीज है, लेकिन हम उसको सही तरीके से हमारे देश की भाषा बनाए पहले, है? और हिंदी का शब्दकोश जो है, यानी जो हमारी ग्लॉसरी है, है ना, हमारे पास जो शब्दकोश है वो बड़ा विशाल है और उसमें इतने शब्द हैं कि उन शब्दों को, शब्दों का जो भंडार है, क्योंकि हमारी हमारा शब्द भंडार इसलिए समृद्ध है क्योंकि हमने संस्कृत से तो शब्द लिए ही हैं, क्योंकि हमारी जननी है वो। संस्कृत के अलावा हमने फारसी से, अरबी से, ठीक है, और जो भारत की दूसरी भाषा है ऐसे मराठी से, है ना, शब्दों को ग्रहण किया है। इवन आपको जान के आश्चर्य होगा, कभी आप गूगल पर सर्च कीजिए, जो बाहर के भाषाओं के जो शब्द हैं वो हमारी भाषा में इतने आसानी से घुल मिल गए हैं कि आप ये जान नहीं पाएंगे कि ये भाषा किस भाषा का शब्द है। जैसे मैं आपको बोलूँ रिक्शा, तो आपको लगेगा कि ये शब्द कहाँ से आया, हो सकता है इंग्लिश से आया हो, लेकिन ये जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। पाइनएप्पल के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, अनन्नास, ठीक है, अनन्नास बोलते हैं ना, तो अनन्नास जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। चाकू, अनन्नास, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द है। और अब कोई, अभी आप रेलवे स्टेशन बोलते हो तो कभी बोलते हो क्या कि रेलवे स्थानक बोलते हो? स्टेशन के लिए स्थानक शब्द है, लेकिन हम लोग स्थानक नहीं बोलते, स्टेशन बोलते हैं। स्टेशन, स्कूल, जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, ये शब्द हैं, ये इंग्लिश से हिंदी में जो है पूरी तरीके से घुल मिल गए। तो हिंदी का जो जो कहते हैं ना डाइजेस्टिव पावर, है, जो हाजमा है, वो बहुत अच्छा है, उसने हर भाषा के शब्दों को अपने अंदर समेटा है। और हमारी जो लिपि है वो भी बहुत वैज्ञानिक लिपि है, है ना। इसके ऊपर हम लोग कभी और एक कक्षा में चर्चा कर सकते हैं कि देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं हैं और वो क्या है, क्योंकि वो एकदम से तो बताया नहीं जा सकता है कि बहुत शॉर्ट में, लेकिन ये मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा कि जो लिपि है उसको ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहे कि वैज्ञानिक लिपि है, वो एक फोनेटिक लिपि है, ध्वनि आधारित लिपि है। उसका जो उच्चारण है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, है ना, और जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। इसमें अंग्रेजी की तरह कोई साइलेंट लेटर या साइलेंट वाला ये चीज नहीं है। और जैसे अंग्रेजी में क्या होता है कि एक टी से टा भी बनता है, टी से था भी बनता है, टी से टा भी बनता है, ठीक है, तो एक टी से अलग अलग शब्द बनते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, था लिखा है तो उसको हम था ही पढ़ेंगे, च लिखा है तो च ही पढ़ेंगे। जैसे एक ये था ना कि एक शब्द है अंग्रेजी में लिखा हुआ है टी ए एम ए आर ई, ठीक है, टी ए एम ए आर ई अगर लिखा हुआ है अंग्रेजी में तो उसको 10 तरीके से पढ़ा जा सकता है। कि टी ए एम ए आर ई को आप टामरे बोल सकते हैं, आप टमारे बोल सकते हैं, आप उसको तामरे बोल सकते हैं, आप उसको तमारे बोल सकते हैं, तो उससे बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। तो एक तरीके से वो सही तरीके, जैसे आप देखिए कि हम उड़िया में एक सरनेम है पांडा, पंडा, उसको हम लिखते हैं इंग्लिश में पंडा, पी ए एन डी ए, लेकिन हिंदी वाला जो नहीं जानता है इस सरनेम का उच्चारण, वो 99% लोग उसको पांडा पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में अगर पांडा लिखा होगा तो पांडा पढ़ेंगे और पंडा लिखा होगा तो पंडा पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अब जब उसको इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि पांडा लिखते हैं पंडा, लेकिन पढ़ते हैं पांडा, है ना। तो ये कंफ्यूजन हिंदी में नहीं है, हिंदी की लिपि में ये कंफ्यूजन नहीं है, या जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। और भी बहुत सारे गुण हैं इसके आधार पर, इसको एक सुव्यवस्थित
और सुविकसित वैज्ञानिक लिपि माना गया। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी का साहित्य सभी दृष्टि से समृद्ध है। हिंदी आम जनता से जुड़ी भाषा तथा आम जनता हिंदी से जुड़ी हुई है। हिंदी कभी राजाश्रय के मोहताज नहीं रही, उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन मुगलों के जमाने में फारसी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, राजभाषा थी। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। बाद में भारत की सरकार बनी तो उसने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, लेकिन हिंदी की एक विशेषता है कि वो कभी इसकी मोहताज नहीं रही, वो अपनी गति से उसका विकास हो रहा है, ठीक है, बहुत ही प्राकृतिक तरीके से, अपने तरीके से उसका विकास हो रहा है। जो हमारा 1857 की जो लड़ाई थी वो देख लीजिए, या हमारी जो आजादी की लड़ाई थी उसकी वाहिका है ना कौन रही, हिंदी रही। हिंदी भाषा के माध्यम से पूरे देशवासियों को ये इसने जोड़ा, और एक राष्ट्र प्रेम की जो भावना हिंदी ने जगाई, जिसके कारण जो है हमको आजादी मिली। संपर्क भाषा है, संपर्क भाषा का मतलब होता है, इसके लिए इंग्लिश में एक टर्म है लिंगुआ फ्रैंका, ठीक है। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है हम लोग आपस में संपर्क किस भाषा में करते हैं, चाहे हमारी मातृभाषा कुछ हो, जैसे आपकी मातृभाषा उड़िया है, अभिषेक की मातृभाषा हिंदी है या बिहारी है ना, मेरी मातृभाषा हिंदी है या हरियाणवी है, लेकिन हम लोग जब संपर्क करते हैं तो हिंदी में करते हैं। क्यों, ये तो छोड़ दीजिए, हम तो हिंदी से जुड़े हुए हैं। अगर आप ट्रेन में जाके देखेंगे, ट्रेन में अगर एक तमिल आदमी बैठा है और एक तेलुगु आदमी बैठा है और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती है, तो वो लोग क्या आपस में संपर्क किस में करेंगे, मातृभाषा तेलुगु और तमिल है लेकिन बातचीत हिंदी में करेंगे, ठीक है। तो संपर्क भाषा का अगर उदाहरण देखना हो तो आप कभी इंडियन रेलवे में जाइए, इंडियन रेलवे की बोगी में आप देखिए, अलग अलग प्रांत के अलग अलग भाषा भाषी लोग बैठते हैं लेकिन आपस में बात हिंदी में करते हैं। तो संपर्क भाषा है हमारी लिंगुआ फ्रैंका है, और साथ में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है राजभाषा है। तो ये तो हिंदी पत्रकारिता का, इसको मैं इसमें कक्षा में नहीं लूंगा, जो इसको फिर कभी इसमें चर्चा करेंगे। अब हम हिंदी की शैलियों पे आते हैं, हिंदी की कुछ शैलियां हैं यानी स्टाइल्स है। उन शैलियों में हम देखेंगे कि भाषाविदों के अनुसार हिंदी की चार प्रमुख शैलियां हैं, है ना, स्टाइल्स हैं, रूप हैं। उच्च हिंदी यानी हिंदी का मानकीकृत रूप, इसका लिपि देवनागरी है, इसमें संस्कृत के कई शब्द हैं, इसने जिन्होंने फारसी और अरबी की जगह कई शब्दों की जगह ले ली है। इसने शुद्ध हिंदी भी कहते हैं, आजकल इसमें अंग्रेजी के कई शब्द आ गए, खासतौर पर बोलचाल की भाषा में। ये खड़ी बोली पर आधारित है जो दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। इसको हम उच्च हिंदी कह रहे हैं या इसको हम स्टैंडर्ड हिंदी बोल सकते हैं। जिस हिंदी में आज मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये वही हिंदी है, ठीक है, जो कि संस्कृत के ज्यादा निकट है, देवनागरी इसकी लिपि है, और इसके भी अलग अलग रूप है। जैसे दक्षिणी एक रूप है, दक्षिणी एक शैली है, वो कहाँ बोली जाती है, हैदराबाद और उसके आसपास क्षेत्र में, क्योंकि हैदराबाद में जो मुसलमान है, निजाम है, निजाम का जो शासन है, वो बेसिकली वो लोग उत्तर भारत से चले और उत्तर भारत से जाके वहाँ पे अपने साथ जो हिंदी थी या उर्दू थी उसको लेकर के गए, और वहाँ की जो भाषाई विशेषताएं थी उसके साथ उसमें जो समागम हुआ, और उस समागम के कारण जो है थोड़ा सा उसका रूप बदल गया, जिसको हम दक्षिणी बोलते हैं, है ना। बड़ी अच्छी लगती है, स्वीट लगती है सुनने में। आप दक्षिणी हिंदी बोल के आप गूगल पे टाइप कीजिए, यूट्यूब पे टाइप कीजिए और सुनिए और देखिए कि दक्षिणी हिंदी का रूप कैसा है। तो रेखता तीसरा जो रूप है, रेखता उर्दू का ही एक रूप है जो शायरी में प्रयुक्त होता था, जिसे हम रेखता कहते हैं ना। आज भी उनके जो बड़े बड़े मुशायरे होते हैं उनका नाम जो है रेखता के ऊपर रखा जाता है, रेखता ही कहा जाता है। और उर्दू हिंदवी का वह रूप जो देवनागरी लिपि के बजाय फारसी अरबी लिपि में लिखा जाता है, इसमें संस्कृत शब्द कम होते हैं, फारसी अरबी के शब्द अधिक होते हैं। तो हिंदी के विद्वान तो इसे उर्दू को हिंदी की ही एक शैली मानते हैं, वह हिंदी का ही एक रूप मानते हैं, लेकिन इसको अब एक अलग भाषा का दर्जा भी दिया गया, लेकिन हम इसे एक हिंदी की शैली भी कह सकते हैं, इसका एक हिंदी का रूप भी कह सकते हैं। अभी हिंदी और उर्दू ये तो मैंने चर्चा करी, आपको बता दी कि उर्दू की स्थिति क्या है और उर्दू में और हिंदी में क्या अंतर है, हमने पहले ही चर्चा कर ली है, छोड़ देते हैं। और ये देखिए हिंदी बेल्ट, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आप भी देख सकते हैं कितने ज्यादा बड़ा क्षेत्र है, ये हिमाचल प्रदेश से लेकर के यहाँ छत्तीसगढ़ तक, और यहाँ बिहार से लेके यहाँ राजस्थान तक, ये क्षेत्र जो है
बड़ा एक एरिया है वो फैला हुआ है, ये हिंदी बेल्ट के नाम पे जाना जाता है, हिंदी पट्टी या हिंदी बेल्ट। यहाँ बेसिकली यहाँ के लोगों की जो भाषा है वो हिंदी है और हिंदी के अलग अलग बोलियां जो हैं इसमें प्रचलित है। थोड़ा हिंदी की बोलियां देख लेते हैं तो आगे मैं दिखाऊंगा आपको। ये 49 बोली एक अध्ययन के अनुसार हिंदी का जो ये क्षेत्र है ना, जो पूरा क्षेत्र है इसमें लगभग 49, बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप ये देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें करीबन 10 उड़ीसा जो है, 10 उड़ीसा का एरिया इसमें आ जाएगा, है ना। इसमें अगर आप देखें तो 49 या कह लीजिए लगभग 50 बोलियां बोली जाती हैं, है ना। अवधी है, बघेली है, बागड़ी है ना, बंजारी है, भद्रवाही है, गड्डी है, भोजपुरी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, चंबेली है, छत्तीसगढ़ी है, चुरूही है। इस तरीके से आप देखें तो छोटी बड़ी लगभग 49 बोलियां हिंदी में बोली जाती है, हिंदी क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन हम इसको अगर हम थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से और भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंदी की बोलियों के लिए इसको 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पश्चिमी हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी, फिर राजस्थानी और उसके बाद पहाड़ी और फिर बिहारी। पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ये 5 जो भाषाई क्षेत्र हैं इसके आधार पे हम फिर देखेंगे अलग अलग जो बोलियां हैं उनका विकास हुआ है ना। तो देखते हैं आगे चलते हैं। ये देखिए ये उसका एरिया, ये जो गढ़वाली है ये आपका उत्तराखंड में बोली जाती है गढ़वाली, है। फिर ये खड़ी बोली दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है खड़ी बोली, बांगरू हरियाणा में बोली जाती है, हरियाणवी हरियाणा में बोली जाती है, बांगरू और हरियाणवी ये हरियाणा क्षेत्र आ गया। इसके बाद ये खड़ी बोली, ये कुमाऊनी जो है, ये कुमाऊनी भाषा पूरी हिमाचल प्रदेश से लेके नेपाल तक का जो पहाड़ी क्षेत्र है, है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र में ये बोली जाती है, ये पहाड़ी क्षेत्र की बोली है। 4.4 में मैंने दिखाया ना पहाड़ी। फिर ये राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, है ना, मेवाती और मालवी। फिर ये ब्रजभाषा आ गई, कन्नौजी, अवधी, बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी, इधर बिहार में ही मगही और बिहार बंगाल के बॉर्डर पे बोली जाती है मैथिली। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आसपास क्षेत्र में बुंदेली, बघेली, है ना, यानी पूर्वी मध्य प्रदेश में बुंदेली, बघेली और फिर इसके उड़ीसा से सट करके जो है ये छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़। तो ये इसलिए ये मैप मैंने दिखाया कि आप एरिया समझ जाए कि किस क्षेत्र में बोली जाती है ना, कौन सी बोली ये प्रमुख बोलियां हैं, ये उनके क्षेत्र हैं। अब हम शुरू करेंगे तो इससे देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी में आती है खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली, ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी में आती हैं, ठीक है। और इसमें से खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ और बिजनौर के आसपास बोली जाती है, इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ। बांगरू या जाटू को हरियाणवी कहते हैं, ये पंजाब के दक्षिण पूर्व में बोली जाती है, ठीक है, मैंने बताया आपको बांगरू भाषा हरियाणा में बोली जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार बांगरू खड़ी बोली का ही एक रूप है जिसे पंजाबी और राजस्थानी का मिश्रण, इसे कुछ विद्वान मानते हैं कि जो खड़ी बोली हिंदी है उसी का एक रूप है जिसमें पंजाबी और राजस्थानी भाषा का मिश्रण है। ब्रजभाषा मथुरा के आसपास ब्रजमंडल में बोली जाती है, जो हम जानते हैं कि बड़ी प्राचीन बोली है और बड़ा अच्छा मधुर साहित्य इसमें लिखा गया ब्रजभाषा। हिंदी साहित्य के मध्ययुग में ब्रजभाषा में उच्च कोटि का काव्य निर्मित हुआ, इसीलिए इसे बोली न कहकर आदरपूर्वक भाषा कहा गया। मध्यकाल में ये बोली संपूर्ण हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा के रूप में मान्य हो गई थी, पर साहित्यिक ब्रजभाषा में ब्रज के ठेठ शब्दों के साथ अन्य प्रांतों के शब्दों और प्रयोगों को भी ग्रहण किया। कन्नौजी जो है गंगा के मध्य दोआब की बोली है कन्नौजी, है ना, ये मैंने यहाँ पे मैप में दिखाया ना, ये देखिए कन्नौजी। और इसका एक और ब्रजमंडल है, इसके एक और ब्रजमंडल है और दूसरी ओर अवधि का क्षेत्र, ये देखिए कन्नौजी, इधर आ गया ब्रजमंडल और इधर आ गई अवधि। तो ब्रजभाषा और अवधि के बीच में जो है कन्नौजी का क्षेत्र है। यह ब्रजभाषा जितनी मिलती जुलती है कि इसमें रचा गया थोड़ा बहुत साहित्य वह ब्रजभाषा का ही माना जाता है।
बुंदेली बुंदेलखंड की उपभाषा है, ठीक है, बुंदेलखंड एक बड़ा प्रसिद्ध एरिया रहा है, कौन सा है बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड एरिया, एक और चीज के लिए फेमस है, अभी से बता पाएंगे, है ना, चंबल की जो घाटियां हैं, है ना, इसी बुंदेलखंड में आती है, तो बुंदेलखंड की उपभाषा है, बुंदेलखंड में ब्रजभाषा के अच्छे कवि हुए जिनकी काव्य भाषा पर बुंदेली का प्रभाव है। तो ये हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये पांच बोलियां आ गई। उसके बाद हम पूर्वी हिंदी पे आते हैं, तो पूर्वी हिंदी में तीन शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है, ये अवध की बोली, अवध में बोली जाती है। इसके दो भेद हैं, पूर्वी अवधी और पश्चिमी अवधी। अवधी को बैंसवाड़ी भी कहते हैं, इसका एक नाम बैंसवाड़ी भी है, याद रखिए। और तुलसी के रामचरितमानस में अधिकांशतः पश्चिमी अवधि मिलती है और जायसी के पद्मावत में पूर्वी अवधि। अवधि के भी दो रूप हैं, पश्चिमी अवधि और पूर्वी अवधि। तो रामचरित में अधिकांश पश्चिमी अवधि मिलती है, जायसी के पद्मावत में पूर्वी अवधि। ये दो बहुत ही हिंदी में के महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है अवधि में लिखे गए हैं, कौन कौन से, रामचरितमानस और पद्मावत की जायसी का पद्मावत। बघेली बघेलखंड की प्रचलित भाषा है, बघेलखंड, और यह अवधि का ही दक्षिणी रूप है। छत्तीसगढ़ी पलामू बिहार की सीमा से लेकर दक्षिण में बस्तर तक और पश्चिम में बघेलखंड की सीमा से उड़ीसा की सीमा तक फैले हुए भूभाग में बोली जाती है। इसे प्राचीन साहित्य नहीं मिलता, वर्तमान काल में कुछ लोक साहित्य रचा गया है। ये जो छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है ना, बड़ा एरिया है छत्तीसगढ़, पूरा छत्तीसगढ़ एक राज्य बन गया अभी, है ना। तो ये अलग अलग बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और फिर बिहारी में अगर हम आए तो बिहारी की तीन शाखाएं हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। तो बिहार के कस्बे भोजपुर के नाम पर भोजपुरी का नामकरण हुआ, पर भोजपुरी का प्रचार बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश में। और बिहार के शाहबाद, चंपारण, सारण जिले से लेकर गोरखपुर तथा बारस कमिश्नरी का क्षेत्र भोजपुरी का है, ठीक है। तो भोजपुरी आप जानते ही हैं, जो खास करके आजकल भोजपुरी फिल्मों के लिए और भोजपुरी गानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, साहित्य भी लिखा गया। और आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में सबसे वाइब्रेंट या सबसे जीवंत बोली जो है वो हिंदी में भोजपुरी है, ठीक है। उसके बाद मगही जो है, मगही का केंद्र पटना और गया है, इसके लिए कैथी लिपि का व्यवहार होता है, इसमें कोई साहित्य नहीं मिलता है। मैथिली गंगा के उत्तर में दरभंगा के आसपास प्रचलित है, इसकी साहित्यिक परंपरा पुरानी है। विद्यापति जो है मैथिली के सबसे प्रसिद्ध कवि हुए हैं, है ना, विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली में लिखी गई है। मध्ययुग में मैथिली में नाटक भी मिलते हैं, आधुनिक काल में मैथिली भाषा में भी साहित्य का निर्माण हो रहा है। तो ये मैथिली का क्षेत्र मैंने बताया आपको, है ना, एकदम से ये बिहार और बंगाल की जो सीमा से लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्र है, ये मैथिली भाषा प्रचलित, ठीक है। अब हम आ जाते हैं राजस्थान की ओर, और राजस्थान का प्रसार पंजाब के दक्षिण में है, और ये पूरा इलाका जो है, ये आप देखिए मैप में दिखाया मैंने, ये पूरा, है ना, ये पूरा एरिया जो है, जो पहले राजपूताना कहलाता था, अब इसको हम राजस्थान के रूप में एक राज्य का दर्जा दिया गया है। इसमें कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। मारवाड़ी का प्रचलन सबसे अधिक है, राजस्थानी के अंतर्गत कुछ विद्वान भीली भाषा को भी लेते हैं, कि भीली जो है दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है, दक्षिण राजस्थान, ठीक है, ये दक्षिण राजस्थान। और ये भील एक मतलब आदिवासी प्रजाति जाति है, और उनकी जो बोली है उसे भीली भीली कहा गया है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र आप ले सकते हैं राजस्थान का भीली के लिए, लेकिन ज्यादातर इसमें ज्यादा जीवंत जो भाषा है वो मारवाड़ी है, प्रचलित है, साहित्य भी मिलता है इसमें मारवाड़ी में। और उसके अलावा कुछ कुछ जो दूसरी बोलियां हैं उनमें भी साहित्य मिलता है, मगर इतना ज्यादा नहीं। जैसे मेवाती है, मालवी है, जयपुरी है, जयपुरी जो है जयपुर के आसपास बोली जाती है। तो ये चार बोलियां आ जाती हैं राजस्थानी के अंतर्गत। और अंत में आ गया पहाड़ी, ठीक है। तो पहाड़ी उपभाषा राजस्थानी से मिलती जुलती है, इसका प्रसार हिंदी प्रदेश के उत्तर हिमालय के दक्षिण भाग में नेपाल से शिमला तक है। इसकी तीन शाखाएं हैं, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। पूर्वी पहाड़ी नेपाल की प्रधान भाषा है, जिसे नेपाली और पर्वतिया भी कहा जाता है। मध्यवर्ती पहाड़ी कुमायूं और गढ़वाल में प्रचलित है, इसके भी दो
भाग है कुमाऊनी और गढ़वाली, ये पहाड़ी उपभाषाएं नागरी लिपि में लिखी जाती हैं, इनमें पुराना साहित्य नहीं मिलता है। कुछ आधुनिक काल के कुछ साहित्य लिखा जा रहा है, कुछ विद्वान पहाड़ी को राजस्थानी के अंतर्गत ही मानते हैं। ठीक है, तो ये आपको एरिया में दिखा दूं, इसके भी तीन भागों में इसको बांटा गया है। ये जो पहाड़ी एरिया का मतलब है कि ये जो गढ़वाल से लेके आपका यहाँ तक का पूरा क्षेत्र, ठीक है, और इस पूरे क्षेत्र को में पहाड़ी बोलियां बोली जाती हैं। और पहाड़ी बोलियों को इसलिए तीन इसके उपविभाग कर दिए गए, विभाग कर दिए गए हैं, और कौन कौन से हैं, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। ठीक है, तो पूर्वी में आपका नेपाल की जो भाषा है नेपाली इधर, और ये मध्यवर्ती क्षेत्र, और ये आपका उत्तरी जो कि उत्तराखंड में बोली जाने वाली बोलियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, तो ये पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र है ये पहाड़ी बोलियों के लिए जाना जाता है। हाँ, अब थोड़ा सा इसमें और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं इसमें अगर मैं एक एक स्लाइड पे जाके आपको बताऊं हर एक बोली का, ये तो शायद समय नहीं हुआ उनको, तो फिर भी मैं थोड़ा सा आपको फटाफट बताने का प्रयास करता हूँ कि मूल भाषा जो कौरवी लिपि बोली है वो खड़ी बोली, साहित्यिक भाषा बनने के बाद इसका नाम पड़ा खड़ी बोली, और बोलचाल में हिंदुस्तानी सर हिंदी वर्नाकुलर खड़ी बोली, और बोलने वालों की संख्या 1.5 से 2 करोड़ के बीच में। जो आज हम खड़ी बोली बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसका पहले नाम था कौरवी। ठीक है, और लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग इसका बोले जाने वाले ये है। केंद्र कौन सा है, दिल्ली मेरठ के आसपास का क्षेत्र है ना, और बाकी जो है मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून, ये पूरा क्षेत्र जो है खड़ी बोली हिंदी के लिए प्रचलित जाना जाता है। उसके बाद ब्रजभाषा तो हमने पढ़ाई, केंद्र मथुरा है, बोलने वालों की संख्या 3 करोड़ है। ठीक है, और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश के बाहर ताजिकिस्तान, ठीक है, तो ब्रजभाषा बोली जाती है, जैसे ताजुबे की ब्रजभाषा कहा जाता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो आप नहीं जानते होंगे कि ताजिकिस्तान में ताजुबे की ब्रजभाषा बोली जाती है ना, तो एक ब्रजभाषा का रूप रशिया में प्रचलित है। और ये आप जानते ही हैं, इसमें बिहारी, मतिराम, भूषण आदि कवि हुए, आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। ठीक है, और नंददास, सूरदास आदि कवि भी इसी भाषा के हुए। अवधि, अयोध्या या अवध इसका केंद्र है, 2 करोड़ लोग बोलते हैं। देश के बाहर फिजी में भी अवधि बोली जाती है, फिजी जो देश है। सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य इसमें लिखा गया अवधि में। ठीक है, रचनाकार आप जानते हैं, मुल्ला दाऊद जायसी की पद्मावत है ना, कुदपन की मृगावती, उस्मान की चित्रावली, राम भक्त कवि तुलसीदास की जो रामचरित मानस है ये इसमें लिखी गई है अवधि में। भोजपुरी, भोजपुर केंद्र है, 3.5 करोड़ लोग बोलने वाले हैं, है ना। और भारत के बाहर जो है सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गयाना, त्रिनिदाद में भी ये बोली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा है, इसमें साहित्य लगभग ना के बराबर है, और जो आप जानते हैं कि गीत गाने फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है ना। रचनाकार इसके भिखारी ठाकुर, उपनाम भोजपुरी का शेक्सपियर है ना, भिखारी ठाकुर जो है इसके सबसे बड़े रचनाकार हुए भोजपुरी के, है ना। सिनेमा जगत में भोजपुरी ही हिंदी की वह बोली इसमें सबसे अधिक फिल्में बनती। मैथिली इसकी त्रिभुता या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अब तो मैं देवनागरी में लिखी जाती है, लेकिन एक तिरहुत लिपि भी है। और केंद्र मैंने आपको बताया मिथिला, विदेह, तिरहुत, जो हम बोलते हैं सीता मैया जो है इस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, है ना। अभी इससे राम के ऊपर दावा कौन कर रहा है, नेपाल कर रहा है, कि राम जो है नेपाली थे, तो वैसे आप कह सकते हैं कि वो तो एक भ्रम है, वो अपने बात कह रहे हैं, बट जो हम ये जानते हैं कि ऐतिहासिक महत्व ये साबित करते हैं कि सीता जो थी वो सीता मिथिला से, है ना, तो मिथिलांचल से बिलोंग करते थे, है ना। तो बोलने वालों की संख्या 1.5 करोड़, बड़ी मधुर बोली है मैथिली। विद्यापति वगैरह इसके कवि हुए, ब्रजभाषा को सूरदास ने, अवधि को तुलसीदास ने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, तो मैथिली को विद्यापति ने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, तो ये मैथिली। अब अगर कुछ हिंदी की बोलियों की बात करें तो ये स्टाइल से मैंने आपको बताया, बम्बईया हिंदी भी है, कलकतिया हिंदी भी है, ये बड़े बड़े महानगर हैं जहाँ पे हिंदी भाषी लोग जाकर के बस जाते हैं, और वहाँ की भाषाओं के संपर्क में आकर के जो हिंदी का रूप विकसित होता है उसे हम बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी ना, ऐसे नाम हम देते हैं। दक्षिणी भी शैली बताई मैंने, हैदराबाद में बोले जाने वाली दक्षिणी,
तो ये ऐसे आप बोली ना कहके बल्कि हिंदी की एक एक स्टाइल या हिंदी का एक एक रूप कह सकते हैं। और इसके अलावा विदेशों में भी बोली जाती है, उज्बेकिस्तान में, मॉरिशस में, फिजी में, सुरीनाम में, मध्यपुर में, ट्रिनिडाड और टोबेगो में, और दक्षिण अफ्रीका में भी हिंदी बोली जाती है, बहुत ज्यादा तादाद है। ठीक है, अब ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, एज ए स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए, एक पूरा विश्वविद्यालय जो हिंदी के लिए समर्पित है, वर्धा में है। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा गूगल कीजिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, कौन कौन से कोर्स वो ऑफर करता है, कौन कौन सी पढ़ाइयाँ वहाँ पे होती है, देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये देवनागरी लिपि के ऊपर तो अब हम बात नहीं करेंगे, अब हम लोग इस पे इसको अभी कंक्लूजन की ओर ले जाएंगे। तो ये सारी चर्चा थी हिंदी भाषा के ऊपर, है ना, हिंदी भाषा के विकास के ऊपर और हिंदी के अलग अलग बोलियों के ऊपर, हिंदी की शैलियों के ऊपर, हिंदी के जो प्रारूप है, हिंदी का जो स्वरूप है उसको हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया, है ना। और जो हिंदी की जो लिपि है इसको भी आप देख लीजिए, देवनागरी लिपि है, कि देवनागरी लिपि में सिर्फ हिंदी ही नहीं लिखी जाती बल्कि आज हमारी संस्कृत, बोडो, पाली, अंगिका, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली, जितनी भाषाएं हैं या बोलियां हैं सारी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो स्पष्ट तौर पर तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भाषा के रूप में अगर आप देखें तो संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी और कोंकणी, चार पांच भाषाएं हिंदी में ही लिखी जाती है और बाकी जो बोलियां हैं ये भी हिंदी में ही लिखी जाती है। ठीक है, तो ये पूरा रहा। और ये मानक भाषा, एक और मैं आपको बता दूं कि मानक भाषा हम किसे कहते हैं, मानक का अभिप्राय है आदर्श, श्रेष्ठ और परनिष्ठित, है ना। इसमें कंफ्यूज मत होइए कि परनिष्ठित भाषा अलग है और स्टैंडर्ड लैंग्वेज अलग है, एक ही है ना। परनिष्ठित का मतलब है जब वो उसका व्यवहार पत्राचार, शिक्षा, सरकारी कामकाज, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में होने लगे और उसका व्याकरण जो है स्थिर हो जाए, तब हम उसको एक मानक भाषा कहते हैं, उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। उसका एक भाषा का एक स्वरूप को हमको उसका मानकीकरण करना होता है, है ना। तो जो आज हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं ये मानक भाषा ही है। तो मैं आज का ये अपना व्याख्यान यहाँ समाप्त करता हूँ और जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि प्रश्न होने आपके जो भी प्रश्न है आप डाल सकते हैं यहाँ पे, या फिर जो भी आप पूछ सकते हैं माइक अनम्यूट करके, तो हम लोग उसको ले लेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर प्रश्न वगैरह लगातार आ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं एक एक करके प्रश्नों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। और इसके इतर भी विद्यार्थियों आपसे अनुरोध है कि अगर आपको कोई प्रश्न रहे, मन में कोई दुविधा हो किस विषय से संबंधित, तो आप अपने प्रश्न वगैरह लगातार चैट बॉक्स में लिखते रहे। सर पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा शायद, सोनालिका मिश्रा की लिखी है, वो पूछती है पाली के बारे में, यानी पाली भाषा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। प्लीज शो ऑन डिटेल्स अबाउट दैट, थोड़ा नीचे जाइएगा आपको दिखेगा, आपका स्क्रीन हमें दिख रहा है, आपने जहां भी क्वेश्चन कर रहा है उसे थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो प्रश्न है, वो पूछती है पाली भाषा के बारे में थोड़ा सा, मैं ऊपर जा रहा है सर, आप नीचे थोड़ा सा। अच्छा जी। हाँ सोनालिका जी, आप शायद पिछली क्लास में आई नहीं थी, तब हमने ज्यादा इस पे फोकस किया था पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के ऊपर, है ना। तो पाली भाषा जो है इसका शब्द का अर्थ भी मैंने पिछली क्लास में बताया था, है ना। तो ये बेसिकली जब संस्कृत के बाद का जो रूप है, जब संस्कृत से आगे बढ़ी भाषा की जो धारा आगे बढ़ी, तो उसमें जो है उसका विकास पाली के रूप में हुआ, है ना। और पाली को हम ज्यादातर इस रूप में जानते हैं कि पाली भाषा बौद्ध धर्म से जुड़ गई, यानी बौद्ध धर्म जहां जहां गया पाली भाषा भी वहां गई, क्योंकि जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है त्रिपिटक, है ना, त्रिपिटक, उसके जो तीन रूप है सुत्त पिटक या और भी दो जो कुछ नाम है, वो सब पाली भाषा में ही लिखे गए। और लिपि वही है उसकी, देवनागरी ही है। रूप इसका अगर आप देखें तो आपको थोड़ी सी इसमें किताब जो मैंने आपको बताई वो आप देख ही गया,
कि उसका विकास कैसे हुआ है और उसका स्वरूप कैसा है उसको यहाँ पे तो शायद स्पष्ट करना नहीं होगा, इतना समय नहीं है, बल्कि ये है कि अब जो संस्कृत से भाषा थोड़ा सा जनता की ओर, जनमानस की ओर उसका झुकाव होने लगा और उसका जो रूप बदलने लगा, और उसके बाद जो संस्कृत से बढ़ करके आगे जो रूप विकसित हुआ उसे ही हम पाली कह सकते हैं। और ज्यादातर इसका जो साहित्य है वो बुद्धिस्ट साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, और जहां जहां बौद्ध धर्म गया, श्रीलंका गया, तिब्बत गया, थाईलैंड गया, तो उसके साथ साथ पाली भाषा भी गई है ना। लेकिन बाद में जो है ये भाषा भारत में ज्यादा दिनों तक प्रचलित नहीं हो पाई, क्योंकि पाली से फिर आगे चल करके वो और भी उसका स्वरूप जनभाषा की ओर उसका झुकाव और बढ़ता गया और उसके स्वरूप में और भी परिवर्तन आया और उसने प्राकृत का रूप ले लिया, प्राकृत भाषा का रूप ले लिया, और प्राकृत से फिर हमारे जो पांच रूप प्राकृत के विकसित हुए और उन पांचों रूप से फिर पांच अलग अलग अपभ्रंश विकसित हुई, सात अपभ्रंश विकसित हुई, और उन सातों अपभ्रंश से जो आज हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उसका विकास हुआ। जी सर, सर इसके उपरांत सर और एक प्रश्न है, एक विद्यार्थी पूछते हैं हिंदी की जो मुख्य दो भाषाएं हैं उसका थोड़ा पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, उसको कह रहे थोड़ा सा समझना चाह रही है। किसने लिखा है, ऑडियो इज नॉट क्लियर, लेकिन आपको आवाज तो आ रही है ना, अगर ऑडियो क्लियर नहीं है तो मैं जो बता सर आवाज आ रही है वो हो सकता है उस जगह की नेट प्रॉब्लम है, तो बाकी सबको सुनाई दिखाई अच्छे से दे रहा है। ठीक है, मैं इसको एक बार और इसको दिखा देता हूँ पीपीटी पे, कि जो बोली है ना उसको मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। इन्होंने पूछा है कि सर पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, तो देखिए इसको अगर हम मैप में देखें तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें से ये वाला जो ये हिंदी का जो बेल्ट है यहाँ से आप देखिए, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पॉइंटर ले लेता हूँ। हाँ, ये जो क्षेत्र है ना इसको आप ये ले सकते हैं पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र, ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी आ गई, और ये जो है ना क्षेत्र इसको हम लेंगे पूर्वी हिंदी, ठीक है। आप मैप के हिसाब से भी देख सकते हैं कि ये आपका पश्चिमी हो गया और ये आपका पूर्वी हो गया, है ना। तो अब हम ये आपको भौगोलिक दृष्टि से समझ में आ गया होगा, अब हम इसको दिखा देते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पांच बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली, ठीक है। तो ये आप देखिए बुंदेली भी यहाँ आ गई है ना, खड़ी बोली आ गई, ब्रजभाषा आ गई, बांगरू आ गई, ये चार पांच बोलियां जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। और पूर्वी हिंदी में अगर आप आ जाएंगे तो अवधि आ गई, बघेली आ गई, छत्तीसगढ़ी आ गई, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ये तीन बोलियां जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो इसको थोड़ा सा हिंदी का जो क्षेत्र है बड़ा विशाल है, तो उसका जो मिलता जुलता स्वरूप देख करके एक परिवार के अंतर्गत इसको रख के अगर हम समझ सके, इसलिए इसको पूर्वी हिंदी कहा गया, और इसको पूर्वी हिंदी, इसको पश्चिमी हिंदी कहा गया। इसके अंतर्गत पांच बोलियां हैं, इसके अंतर्गत तीन प्रमुख बोलियां आ जाती हैं, तो मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा। जी सर, सर आगे बढ़ते हैं सर, और कुछ प्रश्न है। असित जी पूछते हैं कि हिंदी और उर्दू का संबंध किस प्रकार का है। हाँ, मैंने बताया ना हिंदी और उर्दू क्या हुआ, लेकिन उर्दू शब्द का मतलब आप खोजिए गूगल में कि उर्दू शब्द का क्या होता है। उर्दू का मतलब है टेंट, टेंट मतलब समझना तंबू, ठीक है, ये एक तुर्की भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है टेंट। और ये नामकरण कैसे पड़ा कि जो सैन्य छावनियां होती थी, ठीक है, जो सैन्य छावनियां होती थी, तो सैनिक लोग जो टेंट लगाते थे और उन छावनियों में, सैन्य छावनियों में क्या होते थे, उनकी जो भाषा थी कौन सी थी,
फारसी, जो मुगलों की जो भाषा थी फारसी, और जो आम जनभाषा थी वो क्या थी, हिंदी, है ना। तो इन दोनों का जो मिला जुला रूप है वो वहां पे बोला जाता था, कहां पे, उन सैन्य छावनियों में बोला जाता था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया उर्दू। और बाद में ये जो है ये शैली बड़ी पॉपुलर हुई, पॉपुलर इसलिए हुई कि बोला जाता है कि इसका जो मिश्रण हुआ यानी शब्द जो है वो अरबी और फारसी के, लेकिन भाषाई ढांचा या भाषाई संरचना वो किसकी, हिंदी की, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम्मिश्रण से जो भाषा विकसित हुई उसे उर्दू कहा गया। तो टेंट सैन्य छावनियों से विकसित हुई थी इसलिए उर्दू शब्द ले लिया गया। और बाद में फिर क्या हुआ, इस भाषा को, इसकी जो मधुरता और इसकी जो सरलता और मधुरता को देखते हुए इसको अपनाया गया, अपना करके इसको, इसको जैसे जैसे ये हुई उसको फिर उसको लिखा जाने लगा किसमें, फारसी लिपि में। उन्होंने देवनागरी लिपि को नहीं अपनाया बल्कि इसके लिए जो फारसी लिपि है उसको अपनाया, अपना तो लिया, लिपि तो बदल दी, लेकिन जो व्याकरण था, व्याकरणिक संरचना थी, शब्द थे, ढांचा था, वो पूरा हिंदी का ही था। थोड़ा सा झुकाव उसका किसकी ओर था, अरबी और फारसी की ओर। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कि मैं अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आम बोलचाल में अगर आप देखेंगे कि मैं आपसे आम बोलचाल में बात करता हूँ या हम लोग आपस में आम बोलचाल में बात करते हैं तो ना हमारा झुकाव उर्दू की ओर होता है ना हमारा झुकाव संस्कृत की होता है। हम लोग एकदम जो कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन आम बोलचाल की बात, भाषा में हम लोग बात करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि आपके लिए यह किताब पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, आपके लिए किताब पढ़ना जरूरी है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, किताब बेसिकली अरबी भाषा का शब्द है ना, और जरूरी भी जो है ये आम बोलचाल की भाषा का शब्द है, तो ये मिला जुला रूप है। लेकिन अगर मैं इसको कह दूं कि आपके लिए ये किताब पढ़ना लाजमी है, तो लाजमी है तो क्या हो गया, ये झुकाव किसकी तरफ चला गया, अरबी फारसी की ओर, है ना। और अगर मैं आपको कहूं कि आपको इस पुस्तक का अध्ययन करना आवश्यक है तो क्या हुआ, ये झुकाव जो है संस्कृत की ओर। तो भाषा का जो बेसिक्स है वो एक ही है, वो है हिंदी, है ना। और ये जब उसका झुकाव अरबी फारसी की ओर हो जाता है तो हम उसको उर्दू कह लेते हैं, और जब हम उसको, उसका झुकाव थोड़ा संस्कृत की ओर हो जाता है तो हम उसको शुद्ध हिंदी कहते हैं। लेकिन जो आम बोलचाल की जो हिंदी है ना, उसके लिए महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया था, यानी ना उर्दू ना संस्कृत, है ना, लोगों के द्वारा बोले जाने वाली आम बोलचाल की भाषा। तो ये संबंध है हिंदी और उर्दू में। बड़ी मधुर भाषा है, मतलब इसका जो लहजा है, बोलने का जो अंदाज है, वो बड़ा स्वीट माना जाता है, मधुर माना जाता है उर्दू का। और क्या है, खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा रहा, ये प्रश्न आप लेंगे अभिषेक जी, या आगे बढ़ूं मैं? नहीं सर, मैं बस एक मिनट में समझा देता हूँ। खड़ी बोली का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से मेरठ का माना जाता है प्रिय विद्यार्थी, और वहां से ये बोली के तौर पर, जैसा सर ने पहले बताया ना, बोली से किस तरह से भाषा बनती है, तो ये बोली थी मेरठ के आसपास के इलाकों की बोले जाने वाली बोली थी। जब इसका साहित्य में बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा, जब हम देखते हैं कि द्विवेदी युग से, या एक तरह से कहूँ जिसमें पत्रकारिता की शुरुआत होती है शुरुआती चरणों में, उस दौर से खड़ी बोली जो है जिसमें इसका लेखनी में प्रयोग होना था, साहित्य में प्रयोग आरंभ हो जाता है, जो आज के समय में जो आप और हम जो हिंदी, जो हम लोग स्पष्ट रूप से हिंदी, आधुनिक हिंदी जिसे कहते हैं, तो इसके रूप में इसका फिर आगे चलते थे साहित्य की भाषा बनी और भाषा के रूप में प्रस्तुत। तो मुख्य रूप से इसका क्षेत्र जो है मेरठ का क्षेत्र रहा है, दिल्ली के आसपास की जो मेरठ का क्षेत्र है वो रहा है। जी सर, आगे बढ़ते हैं सर। एक सागरिका स्वामी ने प्रश्न लिखा है, बड़ा लंबा प्रश्न है, मैं पढ़ता हूँ। उर्दू भाषा की लिपि जो है फारसी और अरबी है, और दोनों लिपियां हिंदी भाषा के साथ एक माना जाता है। तो जैसे पाकिस्तानी लोग हिंदी उर्दू बोलते हैं, वैसे अरबियन जो होते हैं वो अपनी भाषा के साथ क्या हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनके इंटरव्यूज में अरबी ही बोलते हैं। अच्छा, इनका मुख्य प्रश्न यह है कि अरबी लोग क्या हिंदी का प्रयोग करते हैं। पहले तो ये हमारे अटली बाबू हानू है ना, तो उनका जो प्रश्न था उनके लिए मैं थोड़ा सा होमवर्क भी देता हूँ। बिल्कुल सही बताया अभिषेक जी ने कि जो दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र था, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, है ना, ये जो क्षेत्र है ये खड़ी बोली का क्षेत्र था,
जिसका जिसको आज हम मानक भाषा के रूप में उसको स्वीकार कर लिया हमने, और आज जो हिंदी बोलते हैं ये मूल रूप से खड़ी बोली है ना। लेकिन आप ये थोड़ा सर्च कीजिए गूगल में कि इसको खड़ी बोली क्यों बोलते, तो खड़ी बोली बोलने के पीछे कारण क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि कुछ तो उसका ना। जैसे हम लोग हरियाणवी भाषा को बोलते हैं लठमार भाषा है ना, जो वहाँ पे बांधू बोली जाती है या जो हरियाणवी बोली जाती है या जो कौरवी बोली जाती है, कौरवी तो खैर खड़ी बोली हो गई, जो हरियाणवी या कौरवी बांगड़ू बोली जाती है उसे लठमार भाषा बोलते, लठमार भाषा यानी सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई लठ मार रहा हो ना, बहुत हार्स होती है। तो उर्दू और बंगाली थोड़ी सॉफ्ट होती है सुनने में, सुनने में अच्छा लगता है, हरियाणवी में बड़ी हार्स लगती है, इसलिए उसको लठमार भाषा कहा जाता है। तो आप ये पता कीजिए कि इसको खड़ी बोली क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप गूगल कीजिए और पता कीजिए। अब हम प्रश्न लेते हैं सागरिका जी का, उन्होंने पूछा है कि ठीक है हाँ, तो अभी आपने बताया अभिषेक जी कि उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फारसी और अरबी है, और दोनों लिपि नहीं, उर्दू भाषा की दो लिपि नहीं है, एक ही है, फारसी है, फारसी लिपि अलग है और अरबी लिपि अलग है ना। तो दोनों में अंतर कीजिए, दोनों को मिलाइए मत, और जो लिपि लिखा जाता है उर्दू वो फारसी लिपि में लिखी जाती है, और दोनों लिपियां हिंदी भाषा के साथ एक माना जाता है। तो जैसे नहीं, एक नहीं माना जाता, बस ये है कि उर्दू भाषा जो है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो पाकिस्तानी लोग जब हिंदी उर्दू बोलते हैं तो वो अरबियन जो होते हैं वो अपनी भाषा के साथ क्या हिंदी नहीं, अरबियन भाषा अलग है, ठीक है। हम लोगों ने अरबी भाषा और फारसी भाषा के शब्दों को ले लिया, उन लोगों ने नहीं लिया है, उन लोगों ने, वो लोग अपनी भाषा बोलते हैं, उनकी भाषा अरबी अलग है और उनकी लिपि भी अरबी अलग है ना। हालांकि जब आप जाएंगे, मैं गया था एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुबई में, तो दुबई में आप जाएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि दुबई में कहीं पे आपको अरबी भाषा बहुत कम सुनने के लिए मिलेगी, वहां पर ज्यादातर हिंदी और उर्दू ही सुनने के लिए मिलेगी। आपको गर्व भी होगा क्योंकि वहाँ के जो बाजार हैं, वहाँ बाजार में हिंदी उर्दू ही बोली जाती है, क्योंकि ज्यादातर वहाँ के जो मार्केट्स हैं, जो आम छोटे मोटे जितने काम हैं या सब कुछ जो कुछ भी चलता है वहाँ पे, जो मिडिल क्लास है वो पूरा साउथ एशिया का ही है, यानी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के लोग ही ज्यादातर आपको गल्फ कंट्रीज में मिलेंगे। तो वहाँ पे बाजार से लेके जो आम क्षेत्र है वहाँ पे हिंदी बहुत ज्यादा प्रचलित है, हिंदी हर कोई बोलता है और समझ लेता है, हालांकि उनकी भाषा अरबी अलग है, अरबी और लिपि अलग है और उनकी भाषा भी अलग है। और जहां तक हिंदी के शब्दों को ग्रहण करने की बात है, अलग अलग भाषाएं शब्दों को लेती हैं, कुछ शब्द होंगे वहां पे, है ना। जैसे यहाँ से बहुत कुछ गया है जो यूरोप में गया है ना, इंडिया में वो थ्रू गल्फ कंट्री ही गया है, अरबों से होते हुए ही गया। ऐसे हम बोलते हैं नंबर्स, है ना, जो नंबर्स हैं हमारे, हम शून्य, शून्य को भारत का आविष्कार बोलते हैं, शून्य ही नहीं बल्कि शून्य से लेकर के जितने अंक है, हमने नौ, शून्य से लेकर नौ तक जो अंक बनाए हैं वो सारे अंक जो है भारत का ही इन्वेंशन है, और वहां से होते हुए अरब गए और अरब कंट्री से होते हुए यूरोप में गए, है ना, ऐसा ऐसा माना जाता है। तो ग्रहण करते हैं, और जो अंग्रेजी भाषा है वो बहुत ज्यादा ग्रहण करती है, ये आपकी भाषा को अगर विकास करना है तो शब्दों को ग्रहण करना चाहिए। तो इंग्लिश में अभी जैसे जुगाड़ शब्द है, ठीक है, जुगाड़ शब्द जो है वो उन्होंने अपनी भाषा का शब्द के रूप में उसको अभी लेटेस्ट अपनाया है, ठीक है। एक शब्द आपने सुना होगा जगन्नाट, जगन्नाट का मतलब है इंग्लिश में बड़ा, विशाल। हम लोग जगन्नाथ भगवान के लिए क्या करते हैं, वहां हर चीज का प्रयोग बड़े के रूप में करते हैं, जैसे बड़ो दांडो बोलते हैं ना, बड़ो देउड़ो, तो सब बड़ा है उनका, तो इसलिए जगन्नाट का प्रयोग वहां पे होता है बड़े के लिए, महान के लिए जगन्नेट शब्द बनाया गया। तो अंग्रेजी करती है और अरबी भाषा भी करती होगी, कुछ शब्द उन्होंने लिए होंगे, लेकिन उर्दू जो है वो कुछ अलग नहीं है, वो बल्कि हिंदी ही है। बल्कि आप पाकिस्तान में आप देखेंगे कि जो उर्दू बोली जाती है उसमें जो मुहावरे हैं, है ना, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना, इस तरह के जो मुहावरे हैं वो हिंदी में भी बोले जाते हैं, और ये सारे मुहावरे उर्दू में भी बोले जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा सागरिका जी का। अभिषेक जी अगला प्रश्न ले लीजिए, अनिता जी का। जी सर, वो ईश्वरी और, अच्छा वो एडी और बीसी से क्या तात्पर्य है, इन दोनों में कितने साल का अंतर, ये पूछ रही है। अच्छा आप बताएंगे अभिषेक जी? ना सर आप बताएंगे, मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ। एडी और बीसी इंग्लिश में समझ में आ जाता है, हिंदी में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसको आप थोड़ा सा ये कर लीजिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, इसलिए मैंने एक बार बीच में बताया, क्योंकि कंफ्यूज जब हम पढ़ते तो हम भी कंफ्यूज होते थे। तो ये होता क्या है, ए डी का मतलब होता है इंग्लिश में, नहीं पहले बीसी से लेते हैं, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट,
ना, बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब है आफ्टर डेथ, ठीक है। तो अगर हम बोल, और अभी जो समय चल रहा है वो क्या है, 2020 एडी, एडी यानी जीसस क्राइस्ट के पैदाई के 2020 साल बीत चुके हैं। उनका जन्म को अगर हम केंद्र बनाएं तो उनके जन्म का जो समय क्राइस्ट से पहले का जो समय था वो बीसी कहलाता है, बीसी बिफोर क्राइस्ट, उसको हम हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व, ईसा से पूर्व, ठीक है। और जो ईसा के जन्म के बाद का जो समय है उसको हम हिंदी में बोलते हैं ईस्वी, ईस्वी, ठीक है। जैसा आपने लिखा है ईस्वी, ऐसा नहीं लिखते हैं बल्कि ईस्वी के रूप में लिखा है, ईस्वी, है ना। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं एडी, एडी, ठीक है, आफ्टर डेथ। तो अगर हम इसको थोड़ा और क्लियर करें तो आप समझ जाएंगे कि मैं अगर बोलता हूं कि हिंदी का विकास आज से 1000 साल पहले हुआ तो कौन सा समय होगा वो, आप बताइए, वो होगा 1000 AD, ठीक है, क्योंकि 1000 अभी 2000 साल हो गए जीसस के जन्म के, अभी 2000 साल हो गए, तो हिंदी का विकास अगर 1000 साल पहले हुआ है तो अभी वो क्या होगा, हम बोलेंगे 1000 ईस्वी में हिंदी का विकास शुरू हुआ, ठीक है। और 2000 ईस्वी के आसपास, 2000 ईस्वी में जो है पाली भाषा जो है वो भारत में प्रचलित थी। तो आप, मुझे लगता है कि स्पष्ट हो गया होगा कि आप इसको टाइमलाइन के तौर पे बना के आप देख लीजिए कि जीसस क्राइस्ट का समय अगर जीरो पे रखते हैं तो अभी आज की तारीख में 2000 साल बीत चुके हैं, और उनके समय से उधर वाले जो समय है आगे का समय उसको हम बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व बोल के संबोधित करते हैं। अगर आज से 4000 साल पहले का समय होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, 2000 ईसा पूर्व बोलेंगे, ठीक है, यानी 2000 साल ईसा ईस्वी के और 2000 साल ईसा पूर्व के, कुल 4000 साल का समय है ना। तो ये जीरो को आप केंद्र में बनाइए जो ईसा का जन्म का समय है, और उससे आगे का समय ईस्वी, और उससे पहले का समय ईसा पूर्व, आगे का समय एडी, पहले का समय बिफोर क्राइस्ट। जी सर। सर एक और प्रश्न है आशीष जी का कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का योगदान किस प्रकार का रहा है। अच्छा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। संपर्क भाषा, जिसे मैंने कहा है लिंगुआ फ्रैंका बोला, है ना, क्या होता है कि हम लोग एक भाषा ऐसी होती है जिसे आम भाषा बोलते हैं, और वो भाषा हो सकता है कि हम घर में अपने बच्चों से बात ना करें, घर में माता पिता से उसमें प्रयोग बात ना करें, बहुत ज्यादा उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताबें ना हो, पढ़ाई लिखाई ना हो, लेकिन वो आम बोलचाल की भाषा, यानी आपस में हम लोग संपर्क कर, आपस में जिस भाषा में संपर्क कर सकते हैं उसे हम संपर्क भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब आप, आपकी मातृभाषा उड़िया है, मेरी हिंदी है, छोड़ दीजिए अभी हिंदी की मातृभाषा आ गई, लेकिन आपकी मातृभाषा उड़िया है और कोई एक बंगाली व्यक्ति आया उसकी मातृभाषा बंगाली है, ठीक है, तो आप लोग कैसे उसमें संपर्क, कैसे उससे बात करेंगे। संपर्क करने के लिए तो आपको कोई ना कोई भाषा की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप दोनों बात करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उसे हम संपर्क भाषा बोलेंगे। वो हो सकता है हिंदी हो और हो सकता है वो इंग्लिश हो। जैसे गोवा में संपर्क भाषा मातृभाषा लोगों की कोंकणी है, है ना, लेकिन संपर्क भाषा जो है वो हिंदी भी है और संपर्क भाषा इंग्लिश भी है। जो एक वर्ग है वो आपस में इंग्लिश में बात कर लेता है, एक दूसरे संपर्क करता है इंग्लिश में कर लेता है, और कई बार वो हिंदी में भी बातचीत करता है, तो वो हिंदी संपर्क भाषा हो जाती है, इसे हम संपर्क भाषा कहें। अंतर्राष्ट्रीय की भाषा जो है वो इंग्लिश है ना, और राष्ट्रीय संपर्क की भाषा वो हिंदी। सर एक अंतिम प्रश्न है, प्रीति जी एक प्रश्न लिखती है कि खड़ी बोली में लिखी सिंधी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। मुझे लगता है प्रीति जी आपको उत्तर मिल गया होगा, नीचे रवि जी ने लिखा भी है कि प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का महाकाव्य माना जाता है, यानी कि प्रथम उसका काव्य भी प्रिय प्रवास को कहा जाता है जब हिंदी की हम बात करते हैं। तो आपको उत्तर मिल गया होगा प्रीति जी। हाँ, तो किसने लिखा था प्रिय प्रवास? रवि ने लिखा था, रविशंकर आजाद। प्रिय प्रवास मुझे लगता है हरिओत जी की रचना है, है ना, हरिओत जी की रचना है, और सही है, उत्तर सही है कि पहला जो खड़ी बोली का महाकाव्य है उनका जो है हरिओत जी का प्रिय प्रवास ही है। और विकास तो इसका
1000 ईस्वी के आसपास हो गया था, जो एक हमारे रचनाकार हुए, उनका नाम मुझे अचानक अभी याद नहीं आ रहा है, वो मुसलमान थे। उन्होंने अपने साहित्य में सबसे पहले जो खड़ी बोली है ना, जो आज हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे हम खड़ी बोली बोलते हैं, उसने पहले उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग अपने काव्य में किया था। जायसी से पहले का था, उनका नाम भी अचानक से मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। जैसे उन्होंने एक काव्य कविता बोली थी कि आपने भी शायद सुना होगा, वो मुकरियां लिखते थे, आमिर खुसरो सर, आमिर खुसरो, आमिर खुसरो, जी 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 जी, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो का समय आप चेक कीजिए तो आपको मिलेगा कि वो हजार से हजार या ग्यारहवीं ईस्वी के आसपास जो है उनका समय रहा है, और उन्होंने इस दौर में पहले इसका हिंदी का प्रयोग किया। एक कवि जो दोहे मुकरियां लिखते थे, उसमें एक लिखा उन्होंने कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेश, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप इसका अर्थ निकालिए। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग पहेलियां और मुकरियां जो है उन्होंने लिखा, और उन्होंने गर्व के साथ जिस जमाने में अरबी, अरबी तो नहीं थी, फारसी, है ना, फारसी भाषा अपने चरमोत्कर्ष पर थी और वहाँ उसका वर्चस्व था, और हिंदी जो है कहीं उसका कहीं पिक्चर में थी नहीं, उस समय उन्होंने सबसे पहले घोषणा की कि मैं हिंदी का कवि हूँ और मैं हिंदी में लिखता हूँ, है ना। उन्होंने अपनी भाषा में ये बात कही और कहा कि मैं हिंदी का कवि हूँ और मैं गर्व के साथ हिंदी में लिखता हूँ। तो आमिर खुसरो को खड़ी बोली का एक पहला कवि जो है माना जाता है, और प्रिय प्रवास जो है ये लगभग 100-150 साल पुरानी रचना है, हाल ही की रचना है, और ये जो है हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। लिखा है बाद में, हरिओत जी की रचना है, 1914 में हुई, यानी नया ये 100 साल पुराना है, 17 सर्ग है, और इसे प्रबंध काव्य भी कहा जाता है। एकदम सही है, ठीक है। और कोई प्रश्न है अभिषेक जी? अच्छा, प्रीति शर्मा पूछ रही है, अमीर खुसरो की मुकरियां कहाँ पढ़ने को मिलेंगी? गूगल कीजिए ना। मुझे सर किताब तो नहीं पता, एक किताब है मेरे पास, अमीर खुसरो का हिंदी काव्य, गोपीचंद नारंग की ये किताब है मेरे पास, जिसको मैं अमीर खुसरो के बारे में जो उनकी रचनाएं है मैंने पढ़ी है, और उनकी मुकरियां वगैरह पढ़ी है, पुस्तक मेरे पास ये है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे खुसरो की मुकरियां, मैंने गूगल पे सर्च किया, मेरी स्क्रीन आ रही है आपको? जी सर, स्क्रीन दिख रही है ना, ठीक जी। ये हिंदी समय .com जो है, शायद ये वर्धा की हिंदी विश्वविद्यालय, ठीक है। अभी देखिए अमीर खुसरो की मुकरियां आ गई, अभी ना ये देखिए मुकरियां ये किस तरीके से लिखते थे, ये मैं आपको दिखाऊं। निपट लिखी, देखिए बड़े इंटरेस्टिंग है, आज से हजार साल पहले लिखी गई मुकरियां हैं। नंगे पांव देत, पांव से मिट्टी देत, पांव का निपुता, ए सखी साजन सखी जूता, जूते के बारे में वो पूछ एक लिखते हैं। तो वैसे ही ऊंची पलंग दिखाए, किसका माइक म्यूट नहीं है, अभिषेक जी हाँ। ऐसे एक और, ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो, खुल गई अखियां भई आनंद, ए सखी साखन ए सखी साजन ना सखी चांद, ठीक है। वैसे ही, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा, ठीक है। तो ये मुकरियां हैं, ये पूरा उनका साहित्य देखिए, अमीर खुसरो के गीत, अमीर खुसरो का जीवन, उनकी उलटवासियां और उनकी बूझ अबूझ पहेलियां, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। ये समय क्या है इनकी, देखिए ईस्वी 1253, यानी लगभग आज से 800 साल पहले जो है, 800 साल पहले इन्होंने ये रचना की, 12वीं ईस्वी में इन्होंने लिखना शुरू किया था, और उस समय हिंदी जो है ढल रही थी, आधुनिक हिंदी के रूप में वो ढल रही थी, भाषा बन रही थी, और उस दौर में उन्होंने इस खड़ी बोली को अपनाया और खड़ी बोली में लिखना शुरू किया।
ठीक है। तो ये अमीर खुसरो का हो गया, आप नेट पे ये जैसे hindisamay.com पे है, YouTube पे भी आपको मिल जाएंगी पहेलियां और मुकरियां, है ना, YouTube पे भी आपको यहाँ पे उपलब्ध है। और कोई प्रश्न है? नहीं सर, और कोई प्रश्न नहीं है। मैं बस एक चीज खाली कह दूं कि जब अमीर खुसरो की बात चल रही थी, ये जस्ट नेट उठ में भी आता है कि अमीर खुसरो को तोता है हिंदू, जिसे वॉइस ऑफ इंडिया अमीर खुसरो को कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने खुद घोषणा की थी कि मैं जो है का तोता हूँ, यानी हाँ वो अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि थे। जी ठीक है सर, फिर इसी के साथ समापन को लेके जाता हूँ, समय भी हो गया है। और कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं या फिर हम नहीं सर, और तो कोई प्रश्न ही है। और विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा कि कुछ और अगर प्रश्न रह गया है तो आप निश्चित तौर पर अपने प्रश्न जो उन तक प्रेषित कर सकते हैं। मैं सर तक आपके प्रश्न पहुंचा दूंगा, उन सर के उत्तर भी मैं सर पहुंचा दूंगा, उसके लिए भी आप निश्चिंत रहे। तो इसी के साथ ये कक्षा यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अपना समय देने के लिए विशेष धन्यवाद अपने प्रश्न रखने के लिए, क्योंकि जब तक प्रश्न आए तो कक्षा अभी थोड़ी सी अधूरी सी लगती है, प्रश्न ना आया एक द्वंद की स्थिति रहती है कि मैंने जो पढ़ाया या जो व्याख्यान जो समझ में आया नहीं आया। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न है, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, छुट्टी के दिन समय देने के लिए। तो बहुत बहुत आभार सर सुना एक बार आपको। और आज के हमारे तकनीकी सहयोगी है रुद्र जी, रुद्र प्रताप दास, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद लगातार शुरुआत से। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सबसे बड़ा धन्यवाद तो रुद्र जी का ही बनता है। थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स माय ड्यूटी सर, थैंक यू सो मच। एंड अभिषेक जी तो खैर है ही, वो धुरंधर हैं, खिलाड़ी हैं, और आपके बिना जो है सत्र संचालन असंभव सा है। अच्छा आप कोऑर्डिनेट करते हैं, तो एक अच्छे कोऑर्डिनेटर के रूप में आपका भी आभार, रुद्र जी का भी आभार, और सभी विद्यार्थियों का आभार। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किताब भी पढ़िए और थोड़ा सूचना प्रौद्योगिकी से भी जुड़िए। जैसे मैंने आपको, अगर कभी मौका मिला तो हम लोग एक टेक्निकल सेशन भी लेंगे कभी, तो उसमें मैं आपको जो लेटेस्ट टूल है, जैसे अभी मैंने क्या किया, हिंदी में ही सर्च किया, गूगल में हिंदी में सर्च किया तो मुझे हिंदी में ही मिल गया। तो अभी आप जाएंगे तो कई बार आप इंग्लिश में ही टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से बोल करके हिंदी में टाइप करना, और जो हिंदी के शब्दकोश हैं, हिंदी के थिसारस हैं, हिंदी में गूगल सर्च है, और हिंदी के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, और हिंदी के हिंदी की जो ई पुस्तकालय हैं, यानी जो ई लाइब्रेरीज हैं, उससे भी हम कैसे जुड़ सकते हैं जिससे कि हम अध्ययन सामग्री का लाभ ले सकें। तो इस पे मैं अभिषेक जी से अनुरोध करूंगा, कभी अगर बन पड़ा तो एक हम लोग कार्यशाला या कभी एक सेशन जो है उसके ऊपर भी रखें, ताकि विद्यार्थी जो है उन चीज़ों का भी लाभ उठा सकें। और एक किताब मैं अभिषेक जी शेयर कर देता हूँ आपको पीडीएफ, और अगर कोई आपका व्हाट्सएप ग्रुप है स्टूडेंट्स का तो आप उनको भेज दीजिए, जो मैंने शुरुआत में कही थी, सुनीति कुमार चाटुर्जी की चाटुर्जा, उनकी जो किताब है हिंदी और आर्य भाषा, वो भी आप एक बार अवश्य पढ़िए। तो आप सभी का फिर से आभार और धन्यवाद। हम लोग फिर से कभी अगले